मेरे सिख्या गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्री मद्भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाग्र प्रणाम करता। आज हम लोगों का बहुत बहुत ही अच्छा दिन है। हम सबके सब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबरे हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये भागवत कथा की इतना महात्म है, जो कथा स्वर्ग में भी नहीं, जो कथा ब्रह्मलोक में भी नहीं, जो कथा शिवलोक में भी नहीं, और जो कथा श्री वैकुंठ लोक में भी जो कथा है वो कथा कहाँ है, किसी मर्त्य जगत में वो कथा है। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं जो हम सबके साथ ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए हम सबके सब उपस्थित हुए हैं। इसलिए श्री शंकर जी माता पार्वती को ये बात कहते हैं, बोले पार्वती जगत में सब चीज की सुलभ है, लेकिन पार्वती जगत में एक चीज बड़ा दुर्लभ। मैया पार्वती प्रश्न करती है, बोले प्रभु जगत में किस चीज की दुर्लभता है? देखो स्वयं शंकर जी कहते हैं, बोले सतसंगति दुर्लभ संसारा, सतसंगति दुर्लभ संसारा, सतसंगति दुर्लभ संसारा, प्रचार किए होंगे, कहता आप कह रहे हो सतसंगति दुर्लभ संसार, बोले दुर्लभ काम ही सुलभ है, सुलभ है कि नहीं? लेकिन शंकर जी उसको बात में कहते हैं, बोले आवतई सरती काटनाए, आवतई सरती का आ सरती का
ये सारे काम तो करेंगे, कथा सुनने आओ, कथा सुनने के लिए आओ, लेकिन पार्वती आव तो यही सरह अति कठिनाई। लेकिन ये जो कथा में भागवत में कथा आना पार्वती आ कठिनी है, ये कथा में सहज में कोई नहीं आएगा। अगर किसको पता चले शाहरुख खान यहाँ पर आ रहा है, नहीं तो सलमान खान अभी आ रहा है, और ऐश्वर्या और अमिताभ बच्चन यहाँ पर आएगा, अगर आपको पता चले तो क्या होगा, आपको खुद बताओ क्या होगा। केवल भीड़ लगी चाहिए, पता लगनी चाहिए, यहाँ पर अमुक हीरो और अमुक हीरोइन आ रहे हैं। आप बिना यहाँ पर खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी, यहाँ पर खड़े होने की भी जगह आपको नहीं मिलेगी, कितने। इसलिए शंकर जी कहते हैं, बोले पार्वती अगर किसको बोला जाए भागवत कथा हो रही है, कितने बहाना बनाएगी। बोले देवी जी तुम चले जाओ, मैं घर का काम निपटा करके ना बाहर ले आ जाऊंगा। बोले भैया तुम खुद निपट जाओ, बोले मैं तुम्हारी काम कभी निपटने वाले नहीं। अभी तो किसका काम कभी निपटा है क्या? इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती ये सत्संग में तो बड़े सौभाग्यवान आते हैं। फिर मैया पार्वती प्रश्न करती हैं, बोले प्रभु फिर ये भागवत कथा में कौन कौन आते हैं, ये सत्संग में कौन कौन आते हैं। देखो शंकर जी कहते हैं, बोले अति हरि कृपा जा परो अति हरि जिसको पर में हरि की विशेष कृपा हो पार्वती, वही केवल ये कथा में आ सकते हैं, सभी नहीं आ सकते। उदाहरण भी जैसे आपका घर में कोई फंक्शन हो रही है, बच्चे का बर्थडे मना रहे हो, नहीं तो शादी तुम्हारे घर में हो रही है, उसमें कौन कौन आएगा? आप जिसको जिसको निमंत्रण करते हैं। अगर नाइंची दीवार को पास में एक का घर है, अगर आप उसको निमंत्रण मत दो, देखना वो नहीं आएगा। लेकिन अगर हजार मील दूर में कोई व्यक्ति, आप उसको निमंत्रण दिया हमारे घर में आना, हमारे घर में शादी है, वो व्यक्ति वहां पर जरूर आएगा। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती ये कथा में कौन आएगा? उदाहरण दिया, जब भगवान कृष्ण बंसी बैठे तो नीचे उन्होंने बंसुरी बजाए, ब्रज में बहुत सारे उनकी माताएं भी थी, सखाएं भी थी, उनकी ग्वाल वाल सबके सब थी, लेकिन बंसुरी किसकी कान में पड़ी है? वो बंसुरी सभी के कान में नहीं पड़ी है, वो बंसुरी की आवाज केवल ब्रज की गोपियों की कान में ही ये बंसुरी की आवाज पड़ी। और कथा में केवल रासलीला में गोपियां ही आई, सब नहीं आए। इसलिए शंकर कहते हैं पार्वती ये भागवत कथा रूपी बंसुरी तो बजी,
लेकिन ये बंसरी सबको कारण में नहीं पड़ेगा, किसको कारण में पड़ेगी? आप लोगों को जितना गोप गोपी आए ना, आपकी कान में ही केवल बंसरी की आवाज पड़ी, कन्हैया ने केवल आप लोगों को निमंत्रण दिया है, हैं? तभी आप लोगों ने भाग भाग करके ये कथा रूपी रासों में तभी आप लोग ने आए हो। इसलिए जो कथा में आते हैं वो बड़े सौभाग्यवान हैं, समझो भगवान ने आप लोग को ही केवल उन्हें निमंत्रण में ये भागवत कथा बुलाया है। बोले श्रीमद् भागवत कथा प्रणाम की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कहते अभी प्रश्न आता है, हम लोग यहाँ पर 7 दिन तक कथा सुनेंगे, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा बैठे। अगर किसी मन में प्रश्न आए, अगर ये समय अगर हम किसी बिजनेस में लगाते, नहीं तो दुकान घर मकान में कहीं लगाते, हमें कुछ ना कुछ लाभ मिलता। तो यहाँ पर हम 7 दिन तक क्यों 3-3, 4-4 घंटा बैठेंगे? हमें क्या मिलेगा कथा सुनने से? भागवत में राधा रानी कहती है कि ये कथा से तुम्हें जितने लाभ मिलेगा ना, जितना तुमको फायदा मिलेगा, और किसी चीज में तुम्हें इतना फायदा नहीं मिलेगा, इतना तुम्हारी लाभ और किसी चीज में नहीं हो सकती है। इसलिए राधा रानी स्वयं ये गोपी गीत में कथा मृता प्रथम जो अमृत है ये समुद्र में ही अमृत है। ये देवता दैत्य जब मिल करके समुद्र मंथन की धन्वंतरि ने ये अमृत कलश लेकर उठा। इसलिए अमृत कहाँ पर? बोलिए अमृत ही समुद्र में। लेकिन ये संत लोग कहते हैं भैया असली समुद्र में अमृत भी नहीं। बोले क्यों? बोले अगर समुद्र में अमृत होता तो फिर ये समुद्र का पानी इतने खारी क्यों, ये नमकीन क्यों, ये पानी मीठा क्यों नहीं हुआ है? इसलिए वहां पर असली अमृत भी नहीं।
दूसरा अमृत बताया विधो, विधो मतलब ये चंद्रमा में ये अमृत। अब इतना दिन भर काम करते करते हम परेशान हो जाते हैं, सवेरे सो और रात को उठो फिर शरीर में चुस्ती, फिर ताकत आ जाती है। बोले कहाँ से आती है? बोले ये चंद्रमा से अमृत निकलती है। इसलिए दूसरा अमृत गति है चंद्रमा में। लेकिन वैष्णव लोग कहते हैं कि ये चंद्रमा में भी अमृत नहीं। बोले क्यों? बोले अगर अमृत होता तो फिर ये चंद्रमा हर समय पूर्ण ही पूर्ण ही रहता। यदि ये पूर्णिमा को पूर्ण है फिर प्रथमा द्वितीय होते 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 देखना अमावास्या को पूरा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, वृंदावन बिहारी चंद्रमा में भी अमृत नहीं। तो चंद्रमा हर समय पूर्ण ही रहता। बोले तीसरा अमृत कहाँ पर? बोले वधु मुखे, बोले स्त्रियों की मुखार बिंद में ये अमृत है। जिस अमृत को पति लोग पान करते हैं, लेकिन हमारी वैष्णव लोग कहते हैं बोले भैया वहां पर भी असली अमृत नहीं। बोले क्यों? बोले पति हता है, फिर पति मरता है वो अमर रहता है, वो पहले पत्नी से पहले उसकी राम राम सत्य हो जाता है, इसलिए वहां भी असली अमृत नहीं। बोले चौथा अमृत कहाँ पर है? बोले फणी नाम निवास, जहाँ पर सर्प रहता है उसकी निवास है ये अमृत है। लेकिन वैष्णव जन कहते हैं भैया वहां भी अमृत नहीं। क्यों? बोले विष दंत पाता, कहते सांप का विष दांत टूट जाए ना फिर उसका कोई ताकत नहीं रहती है, फिर गरुड़ जी उसको फिर खा डालता है, उसका आहार है, वो गरुड़ से डरता है, इसलिए ये अमृत कहीं नहीं है। बोले पंचमा अमृत, बोले स्वर्ग में जिस अमृत को देवता लोग पान करते हैं, लेकिन वैष्णव लोग कहते हैं वहां पर भी असली अमृत नहीं, क्योंकि देवताओं का पुण्य समाप्त होते ही उनको धक्का मार करके फिर इसी मध्य जगत में उसको गिरा देते हैं। अमृत वहां पर भी नहीं। बोले फिर अमृत कहाँ पर? बोले केवल अमृत एक ही जगह पर ये अमृत है। बोले कहाँ पर वो अमृत है? बोलो अमृत है भक्तों की कंठ में, और ये श्रीमद् भागवत कथा में ही अमृत है। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित तुम्हें कुछ भी करने का जरूरत नहीं, कोई तपस्या दान तीर्था कर कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल ये कथा और केवल ये भागवत कथा तुम श्रवण करो। अब ये कथा सुनते सुनते जब तक तुम्हें ये अनुभूति नहीं हो जाएगी मैं ये संसार से मेरे को मुक्ति मिल गई तब तक मैं तेरे को नहीं छोड़ता। इसलिए कथा केवल बोले सुधा बहती कंठे भगवत जनाना, केवल ये अमृत ये श्रीमद् भागवत कथा में ही अमृत है। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की जय। जोर से जयकार, कोई व्रत रखे हो क्या? आवाज नहीं निकल रही है, ऐसे लगे जैसे कथा हो गई।
जोर से जो जितने जोर से भागवत की जय देगा ना उसका उतना ही पाप खत्म होगी और उतना ही उसको पुण्य मिलेगा। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतमती जय जय श्री राधे। इसलिए बोले कथा सुनने का पहला लाभ है गत जगत में आपको अमरत्व की प्राप्ति है। इसलिए ये भागवत का एक नाम है अमर कथा, क्योंकि शंकर जी माता पार्वती को ये कथा उन्होंने अमरनाथ में सुनाई थी। आप लोग कोई अमरनाथ गए हो? कौन कौन अमरनाथ गए, हाथ उठाओ। तो एक दो कुछ भक्त लोग नहीं गए। हाँ, जो लोग आप लोग अमरनाथ गए होंगे आप लोग देखे होंगे जहाँ पर श्री शंकर जी माता पार्वती को जहाँ पर बैठा कर कथा सुनाई थी। इसलिए भागवत का एक नाम अमर कथा। पिछले पुराण में बड़ी प्यारी इसकी कथा आती है। ऐ समय श्री नारद जी भ्रमण करते करते पहुंचे श्री कैलाश में। शंकर जी गए हुए थे सत्संग में। घर में अकेली माँ पार्वती अकेली थी। इतने में जा करके नारद जी माता पार्वती को बोले, बोले माता जी सब कुशल मंगल है। बोले बेटा तुम्हारे आशीर्वाद सब कुशल मंगल है। बोले कैसे कुशल मंगल हो? बोले देखो नारद जी, वही पत्नी सुहागिनी जिसको पति प्रेम करता है, शंकर जी मेरे को बड़ा प्रेम करते हैं। बोले कैसे? क्या कपड़ा लता गहना दे करके? बोले नहीं, वो कहीं भी सत्संग सुन करके आते हैं सबसे पहले वो मेरे को वो कथा सुनाते, सत्संग सुनाते। इसलिए माता पार्वती शिक्षा देती हैं पति की सचमुच से वही प्रेम है, वही पति पति है जो पत्नी को प्रभु की भक्ति मार्ग में ले जाए। वही पत्नी सही पत्नी है जो पति भी प्रभु को भक्ति में मदद करे। वही पिता पिता है, वही माता माता है अगर बच्चों को प्रभु की भक्ति मार्ग में ले जाए। नहीं तो भागवत कहता है वो गुरु गुरु नहीं, वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो भैया भैया नहीं। अगर हमें ये संसार रूपी समुद्र से भगवत भक्ति उपदेश दे करके जो हमें मुक्ति नहीं करा सके। लेकिन नारद तो चाह रहे थे ये भागवत ग्रंथ को कैसे प्रकाश हो। नारद जी बोले देखो माता जी, आप कहते हो शंकर जी आपको बहुत प्रेम करते हैं लेकिन मेरे को लगता नहीं, और तुमको केवल ऊपर ऊपर की बात सुनाते हैं, अंदर की बात नहीं सुनाते। बोले भैया कौन सा अंदर की बात है? बोले आपने देखा शंकर जी की गला में एक मुंडक की माला आपने देखा हो? बोले हाँ हमने देखा है। बच्चे क्यों घूम रहे हो? ये बच्चों को बैठा है। इसलिए आपने देखा शंकर जी की गला में एक मुंडक की माला? बोले हाँ। बोले शंकर जी आपको कभी ये बात बताया है ये मुंडक माला किसकी है और क्यों धारण करते हैं? बोले नहीं। बोले तुम्हें खास प्रेम करते हैं, तुम्हें बल ऊपर ऊपर से ही प्रेम करते हैं, अंदर से तुम्हें प्रेम नहीं करते हैं। बोले देखो शंकर जी ये रहस्य तभी तुम्हें बताएंगे जब जा करके तुम मान मोहन में लेट जाओ। जब शंकर जी पूछे तभी तुमने पूछना नहीं, उनको तीन बार कसम खिला करके अगर पूछोगे फिर ये रहस्य के बाद श्री शंकर जी तभी बताएंगे। इतना नारद जी बोले और नारद जी उठाए अपना वीणा और वीणा बजाते बजाते नारद जी वहां से चल पड़े। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रानी की जय, महारानी की।
की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, गिरधारी की जय, भजनवारी की जय, गिरधारी की जय, भजनवारी की जय, वन कुंज बिहारी तब से मैंने अमरत्व की प्राप्ति है। और तिलक लगाने वाले
बढ़िया। इसलिए जब से मैंने ये भागवत कथा श्रवण की तब से मैंने ये अमृतों की प्राप्ति की। पार्वती कहती है प्रभु मुझे भी स्वाद हो, फिर दोनों ही अमर बन जाएंगे, लेकिन मैं मरते जा रही हूँ, मर नहीं रहे। शंकर जी बोले पार्वती ये कथा को सभी नहीं सुन सकते हैं। बोले कथा कौन सुन सकते हैं? बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लब्धम। कहते पार्वती करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य उदय हो तभी ये कथा को कोई सुन सकते हैं। बोले क्या मैं नहीं सुन सकती हूँ? बोले हाँ, तेरी अंदर में श्रद्धा भक्ति है तो। चलो तेरे को मैं अमरनाथ में लेकर कथा सुनाऊंगा। बोले पार्वती जब मैं कथा सुनाऊंगा तुम हुंकार करते रहना, मेरे को पता चले तू कथा सुन रहे हो। बोले ठीक है प्रभु जी। शंकर जी जयकार लगाए और उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को प्रारंभ कर दी। पहला स्कंद, दूसरे स्कंद, तृतीय स्कंद, ऐसे करते 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 दसम स्कंद तक कथा सुना दी। जब उन्होंने एकादश स्कंध की कथा सुनाने के लिए गए, क्योंकि जो एकादश स्कंध है उसका जो लक्षण है ना वो मुक्ति, मतलब है जीव ई भवसागर से उसको मुक्ति कैसे मिलेगी। अगर कोई प्यारी प्यारी मीठी मीठी कोई कथा हो ना मन लग जाती है, अगर कोई तत्व दर्शन की बात हो फिर मन नहीं लगती। इतने में मैया पार्वती वहां पर सो गई। मैया पार्वती उसी समय उसी वृक्ष के ऊपर में एक तोता बैठ करके कथा सुन रहा था। उसने देखा माता जी तो सो गई, शंकर जी तो कथा सुनाना बंद कर देंगे, कथा मेरी भी अधूरी रह जाएगी। इतने में वो तोता भी हुंकार भरने लग गया। बोले बड़ी प्यारी कथा, उसको बाद में क्या हुआ आगे की बात सुनाओ। शंकर जी भोले बाबा सुनाते 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 जा रहे। जब कथा समाप्त हो गया फिर शंकर जी जयकार देते हैं, बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की। जब उन्होंने जयकार दी मैया की नींद खुल गई। बोले उसकी बात में क्या हुआ? बोले कथा तो समाप्त हो गई। बोले नहीं मैं तो बीच में सो गई थी। बोले फिर हुंकार कौन भर रहा था? बोले मेरे को बता ही नहीं। शंकर जी ने देखा क्योंकि ये अमर कथा है, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति कथा सुन ले अगर वो अमर बन जाए ये जगत के लिए हानिकारक है। इसलिए आप लोग गीता पढ़े होंगे, जब कृष्ण अर्जुन को ये गीता की ज्ञान बताए लास्ट में कहते हैं, बोले हे अर्जुन ना अभक्ताय कदाचन, जिसके नहीं प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं उसको ये कथा नहीं सुनानी, मना कर देते हैं। क्योंकि कथा रूप में स्वयं ठाकुर है भगवान और उनकी कथा में कोई फर्क नहीं, वो एक ही चीज है। उन्होंने देखा कथा सुनी किसने, अगर वो अमर बन गया तो दुष्ट हो तो अमर बन गया तो
शंकर जी ने देखा उसी वृक्ष के ऊपर में एक तोता बैठ करके कथा सुन रहा था। बोले तुमने ब्रह्म ज्ञान को चोरी की, नियम है कथा सुनने के लिए सामने बैठ करके ही कथा सुने। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते कथा सुनना तो तीन क्रिया होनी चाहिए। बोले वो क्या है? बोले तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयते ज्ञानम् ज्ञानिना तत्त्वदर्शिनः। कहते हैं अर्जुन कथा सुनने के लिए तीन नियम है, देखो आप लोग भी सुन लीजिए। बोले तद विधि प्रणिपातेन, मतलब है ऐसे नहीं कथा सुनने के लिए और बैठे रहे, ऐसे नहीं। सवेरे हम सुना रहे थे ना हनुमान जी कथा, जब हनुमान जी कथा में आते हैं वो ऐसे नहीं बैठ जाते, क्योंकि जहां पर ये भगवत कथा हो रही है भागवत में बताए बोले सर्वाणी तीर्थानी बसंति तत्रा जथा चुकादर कथा प्रसंग। बोले जहां पर ये भागवत कथा हो रही है बोले पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है अयोध्या मथुरा माया काशी कांकी अवंती द्वारावती गंगा यमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी कुरुक्षेत्र पुष्कर केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री कहते द्वारका पुरी, जितने पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है वो वहीं पर आकर के निवास कर जाते हैं। और जो व्यक्ति ये कथा सुनते हैं, जो कथा सुनते हैं समझो बैठ बैठ करके सारे तीर्थ में अपना नहाना है, बैठ बैठ करके सारे तीर्थ में अपने स्नान कर लिया, क्या तो उससे भी ज्यादा फल है। बोले क्यों? बोले तीर्थ में नहाने से केवल थोड़ी सी तुम्हारी पाप ही जाएगी और कुछ नहीं होगी। फिर घर में आकर तो फिर दो बार वही दाल में कंकड़ मिलाओ, घी में चर्बी मिलाओ, हैं? फिर तो मसाला में उल्टा पुल्टा चीज मिलाओ, फिर वही झूठ बेईमानी, फिर वही गंदा काम करना शुरू कर दोगे। लेकिन भागवत कथा भी गंगा नहीं, अगर एक बार कोई स्नान कर ले ऊपर से तो पवित्र हो ही जाएंगे, हृदय से भी पाप करने का वृत्ति हृदय से भी खत्म हो जाएगी। तो बोले यहाँ तक नहीं, अब मेरे तरफ में देखो ठीक से, देखो ये लोग रसिया से आए, ये दो लड़की भी रसिया से आई, ये सब रसिया से आए। देखो कथा रूपी गंगा में नहाने से कितना लाभ है, ये कहाँ रसिया के रहने वाले। देखो ये तिलक लगाए, चोटी धार में किया, गले में कंठी है, हाथ में माला जब करती है, लेकिन ये सब किसका धर्म है? ये हमारे हिंदू धर्म है ना, हमारे हिंदुओं का ही गला में तुलसी चोटी तिलक लगाना भगवान की भजन करना, हम हिंदू है। अगर किसको पूछे भैया हमारा हिंदू धर्म का मूल ग्रंथ गीता है, कोई गीता का श्लोक आप बता पाओगे? आप बताओ तो कौन गीता की कोई एक श्लोक कोई बताओ। अगर पूछे कौन सा हीरो का नाम क्या है, कौन सा हीरोइन का नाम क्या है, कौन सा प्लेयर का नाम, सारे उल्टा पुल्टा चीज दुनिया की सब गंदी गंदी चीज तो याद कर रखी है, लेकिन जो हमारे मूल धर्म जो भगवत गीता है इसमें हमारी कोई रुचि नहीं, इसमें हमारी कोई रुचि नहीं। मैं अभी कथा करने के लिए गया था जयपुर में, जब मैं कथा करके जा रहा था एक छोटा बच्चा को देखा, मैंने पूछा तुम्हारे नाम क्या, फिर उसका नाम से मेरे को पता चला वो मुसलमान है। मैंने वो 5 साल का बच्चा था, मैंने कहा तुमको कुरान आती है? वो बच्चा छाती फुला करके कहता है बोले हाँ मेरे को कुरान आती है। मैंने कहा भैया तो कुरान सुना दो, झटाझट कुरान सुनाना शुरू कर दिया, एकदम सर कुरान सुना। मैंने कहा भैया तुम्हारे धर्म में कितने साल से तुमको ये कुरान पढ़ाया जाता है? कहते हमारे मुसलमान धर्म में से कंपलसरी जब उसको 2 साल हो जाए उसको कुरान कंपलसरी उसको पढ़ाया जाता है। अब शुक्रवार को देखना छोटे छोटे बच्चे को टोपी पहना कर मुसलमान भाई लोग मेन रोड में जाकर बैठ कर अपना कुरान पढ़ते हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म आदि धर्म जगत में जितने धर्म है वो सबके सब कुछ दिन से सृष्टि हुई, कोई 2000 साल पहले, कोई 1500 साल पहले, कोई 500 साल पहले, इसको पहले कोई धर्म थी नहीं दुनिया में।
केवल दुनिया में एक ही धर्म था जो हमारी सनातन धर्म था, इसलिए हमारा धर्म का नाम सनातन है। सनातन मतलब क्या? सनातन मतलब होता है सदा तन, सदा मतलब होता है हर समय, तन मतलब होता है प्रकाश। मतलब जो धर्म पहले था, जो अभी है और जो बाद में रहेगा, जो धर्म कभी नष्ट होने वाला नहीं, हमारी ये सनातन धर्म है। दूसरे दूसरे धर्म में कोई एक ही ग्रंथ, दो ग्रंथ नहीं मिलेगा, पुराण मिलेगा नहीं तो बाइबल। हमारी देखो गीता है, भागवत है, रामायण है, वेद है, पुराण 17-18 पुराण है, चार ही वेद है, ऋग यजु साम अथर्व, चार ही वेद है। हमारे जैसे धर्म जगत में कुछ है ही नहीं। लेकिन दुख की बात है, बच्चों को तो हम 20-20 हजार 10-10 हजार का स्मार्टफोन पकड़वाते हैं, जिससे बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो जाए, लेकिन कभी बच्चों को ये नहीं बताते, बच्चा तो तो एक माला कर ले, कई बोलते हो बच्चों को, लेकिन स्मार्टफोन हमने पकड़वा दिया 20-20 हजार 10-10 हजार स्मार्टफोन, जिससे बुद्धि भ्रष्ट छोड़ कर कुछ है ही नहीं। इसलिए भैया हमारे धर्म जैसे धर्म जगत में तो देखो ये लोग क्यों आए, इनको पूछो इतने श्लोक जानते हैं, हमारे गीता भागवत इतने श्लोक जानते हैं जो सोच नहीं सकता, हमें पूरा भागवत सुना देंगे, ऐसे ऐसे ही बच्चे हैं। इसलिए हमें हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो हम सबके सब श्री हिंदू धर्म में हमने हमारी जन्म लिया। हम आगे ये बात को सुनेंगे, हमारे धर्म इतने श्रेष्ठ धर्म है, स्वर्ग का देवता लोग भी हमारे हिंदू धर्म में जन्म लेना चाहते, हमारे हिंदू धर्म में जन्म लेना चाहते। बोले क्यों? बोले हिंदू धर्म में ही जिनकी मुक्ति है, और किसी जीवन में किसी मुक्ति है ही नहीं, केवल हिंदू धर्म में आए भगवान की भक्ति करे तभी उसकी ये जन्म मृत्यु का चक्कर से तब भी उसके छुटकारा मिलेगी, नहीं तो छुटकारा मिलेगी नहीं। इसलिए आप लोग भी अपना बच्चों को पढ़ने अच्छे संस्कार डालो। जो पिता माता ये पहला गुरु है, पिता माता है। आप लोग ने इंडोनेशिया का नाम सुनो, वो मुसलमान कंट्री, वो लोग क्या करते हैं, हमारी भारत ऐसे संतों को बुलाते हैं। बोले क्यों? बोले हमारे आप यहाँ आके राम कथा सुना, आप जब टीवी में देखे होंगे, यूट्यूब में देखना, वहां पर मुरारी बाबू का नाम सुने होंगे, इनको ले करके इंडोनेशिया में क्या हमें रामायण सुना। बोले रामायण क्यों सुनना चाहते हो? बोले हम चाहते हैं हमारी घर के लड़की लड़कियां माताएं बहू सती बनकर रहे, सती बनकर। क्यों? भगवान राम ने सीता को त्याग दिया क्योंकि एक धोबिनी आते समय एक रात कहीं रुक गई थी, उसको पति ने स्वीकार उसको नहीं किया। बोले मैं थोड़ी राम हूं, रावण सीता को उठा करके ले गया, एक साल बाद में आए तो बराबर सिंहासन में बैठा दिया, मैं राम नहीं हूं, इसलिए उनको त्याग दिया। इसलिए प्रभु राम ने सीता को भी चिरकाल के लिए त्याग देते। क्यों? हमारी माता लड़कियां सती बने। मुसलमान देश का लोग हमारे रामायण पढ़ते हैं, रामायण क्यों पढ़ते हैं? भगवान राम सवेरे उठते हैं, बोले प्रात उठई रघुनाथा मात पीत गुरु नमः माता। भगवान क्या करते हैं सवेरे उठ करके, पहले पिता माता को चरण छूते हैं, उसके बाद में गुरु जी की चरण छूते हैं। आप बताओ तो यहाँ पर कितने भक्त हैं जो सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूते हैं? देखो एक माता जी दो है। देखो अगर रामायण पढ़ोगे ना, बच्चों को बड़े संस्कार डालोगे ना, देखना वो बच्चा सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता गुरु जी की चरण छूए। इसलिए वो लोग हमको ला करके हमें रामायण हम सुना। इसलिए आप लोग भी अगर हमारे घर में रामायण भागवत होगा ना, उसको बांध कर किसी ऊपर में रखा हुआ, उसमें फूल चंदन देते होंगे, लेकिन खोल कर कभी हम उसको पढ़ते नहीं है। इसलिए आप लोग जरूर हमारी गीता को पढ़ो, रामायण पढ़ो। ये लोग अगर पढ़ सकते हैं, देखो ये रसिया से दो लड़कियां आई है, रसिया में वहां जो लड़कियां है ना सरकार से लड़ाई कर रहे हैं। जानते हो क्या लड़ाई करते हैं? हम साड़ी पहन करके कॉलेज में क्यों नहीं गए? मैं भी रसिया जाता हूँ प्रचार करने के लिए, वहां की लड़कियां सरकार से लड़ाई कर रहे हैं, हम साड़ी पहन करके हम क्यों नहीं जाए कॉलेज में? लेकिन हमारे देश का लड़कियां
कि हम जीन्स पहन कर क्यों नहीं जाए, हम जीन्स पहन करके क्यों कॉलेज में नहीं जाए। हम लोग सोचते हैं शायद विदेश का जो रहन सहन कपड़ा लता पहन करके सुखी हो जाएगी। नहीं, हमारी जो संस्कृति, हमारे ऋषि मुनियों का जो संस्कृति, उससे बड़ा संस्कृति कुछ नहीं। तभी ये लोग धोती पहन कर पहने, धोती पहन कर बैठी, वो लड़कियाँ लहंगा पहन कर बैठी हुई यहाँ पर है। इसलिए हमें अपना धर्म के ऊपर में हमें गौरव करनी चाहिए। हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो कि हम सबके श्री हिंदू परिवार में हम लोग ने जन्म ग्रहण किया। ठीक है, वृंदावन हरि लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इतने में शंकर जी ने देखा कि कथा किसने सुनी है। देखा वो तोता बैठा हुआ, शंकर जी ने देखा तुमने ब्रह्म ज्ञान को चोरी की है। शंकर जी उठाया त्रिशूल और उसको मारने के लिए उसको पीछा की, और वो तोता भागते जाए, शंकर जी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे करते करते जब बद्री आश्रम पर पहुंचे, देखे वहां पर श्री व्यास देव अपना पत्नी बिटका को भी यही भागवत कथा सुना रहे। माता बिटका भी कृष्ण प्रेम में विभावित होकर के मुंह खोल करके ऐसे कथा सुन रही थी। इतने में तोता वहां पर गया और सूक्ष्म रूप धारण करते उनकी गर्भ में प्रवेश कर गया। शंकर जी ने कहा भैया ये तोता कहाँ गया, यहाँ पर आकर गायब होगी। श्री व्यास देव जी ने पूछा, भोले बाबा कहाँ से आप भागते भागते आ रहे हो, शरीर से पसीना बह रहा है। बोले बड़ा अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया, बोले एक तोता ने ये श्रीमद भागवत कथा को सुन लिया, ये अमर कथा को सुन लिया। बोले अमर कथा का मतलब क्या है, बोले जो सुन लिया वो कहीं मर गया। बोले बताओ ये तोता कहाँ सुनी थी, नहीं बोले हाँ सुन ली। बोले सचमुच से आप भोले ही बाबा हो, सचमुच से आप भोले हो, आप स्वयं कहते हो ये कथा अमर कथा, जो सुनेगा मरेगा नहीं। अगर ये तोता सुन लिया फिर मरेगा कैसे, फिर इसको पीछा कैसे कर रहे हो मारने के लिए। शंकर जी ने सोचा बात सही बात है, मैं तो ये बात भूल ही गया था। फिर शंकर जी सोच रहे हैं ये तोता कोई साधारण तोता नहीं, अगर साधारण तोता होता है ना वो कभी भी बैठ करके शांति तोता नहीं सुन सकता है। जरूर ये करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई पुण्य अर्जन किया। शंकर जी ध्यानस्थ तो हुए तो उन्हें सारे चीज को देखा, क्या देखा है, बोले प्रिया सुख श्री वृषभानु जाया, पवित्र चंचो प्रिय चो बनीना, एकांत जनन रहस्य पाठी, निकुंज प्रासाद सदा निवासी। बोले ये तोता कौन है, बोले ये श्री राधा जी की प्रिय तोता है, जिसको राधा रानी अपना हाथों में बैठा करके आना रखी, दाना खिलाया करती थी, जिसको कृष्ण नाम पढ़ाया करती थी। एक दिन वो तोता अपना धर्म के हिसाब से राधा जी की हाथ से उड़ते हुए कभी वो चला गया नंदगांव, और एक पेड़ के ऊपर बैठ करके बड़े सुंदर राधा जी की भजन गा रहा था। बोले राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, अच्छा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे, श्यामा अनमोल, बोलो राधे राधे, राधे का नाम अनमोल, बोलो बोले राधे, गैया भी बोले राधे,
कृष्ण बुलाया तो वो तोता उड़ गया, कृष्ण को हाथ में बैठ गया। मतलब तेरे को ये भजन नहीं, ये श्लोक सिखाया किसने? बोले ये राधा जी ने। वाह, बड़ा सुंदर, राधा जी की गला की आवाज जैसे सुंदर श्लोक बोलता है, भजन बोलता है। कृष्ण ने एक सुंदर पिंजरा बनवाए और उसका अंदर में वो तोता को धर दिए। अब राधा रानी तोता के ब्याह में बड़ी व्याकुल हो गई, मतलब मेरा तोता गई कहाँ? एक माधुरी का नाम का सखी से बोले, ढूंढो तो कहीं तोता कहाँ। देखा कृष्ण उसको हाथ में बैठा के आना रखी दाना खिला रहे थे और उसको कृष्ण नाम राधा जी का नाम पढ़ा रहे थे। वो सखी बोली, श्याम सुन रहे, ये तोता हमारी श्री प्रिया जी की तोता है, हम ये तोते को दे दो। मतलब अगर ये तुम्हारी प्रिया जी की पालता तोता, फिर तुम भुलाओ। अगर मेरे हाथ से उड़ते हुए तुम्हारे पास में चला गया, फिर मैं समझूंगा भैया तोता तुम्हारे घर तुम ले जाना। बोले भैया तेरा नाम ही कृष्ण है। कृष्ण मतलब क्या? क्री मतलब होता है आकर्षण करना, स्ना मतलब होता है आनंद करना। जो विश्व ब्रह्मांड को अपना तरफ में आकर्षण करते हैं और सबको जो आनंद देते हैं, ये कृष्ण है। बोले बताओ जगत में ऐसे कौन सा जीव हो जो एक बार तेरे हाथ में बैठा जाए और तू उसको प्यार दो, तेरे अपना हाथों से मीठे मीठे आनार खिलाओ, फिर तेरे को कभी छोड़ सकता है? बोले भैया फिर कर तोता मेरी, फिर तुम जाओ। और फिर मैया जशोदा के पास में जाती है, बोले मैया हमारी किशोर जी की तोता उड़ते हुए आ गया और कृष्ण पकड़ लिया और छोड़ने गए। और राधा रानी बड़ी दुखी, बोले बेटी चिंता मत करो, कृष्ण जब गैया चराने जाएंगे पीछे से, ये तोते तो फिर तेरे पास में भेजूंगी। वही तोता जिस समय भगवान कृष्णा ये संसार छोड़ करके चले गए, ये तोता भी तैयारी हुआ जाने के लिए। कृष्ण बोले, तोता अगर तुम चले जाओगे तो ये मेरी धरती को कैसे प्रचार होगा? इसलिए तुम इसी जगत में रहो। जैसे प्रभु राम श्री हनुमत लाल को जैसे रख करके गए थे, कृष्ण उसी तरह ये तोता को रख कर गए। अरे यही तोता ही व्यास देव का पत्नी की गर्भ में प्रवेश की और यही श्री सिद्धदेव गोस्वामी रूप में जन्म लेकर के जगत में ये भागवत कथा प्रचार करेंगे। शंकर जी सब कुछ ध्यान से जान, सब कुछ उन्होंने देख लिए और ये ठाकुर जी की इच्छा है।
फिर शंकर जी प्रणाम करते हुए चले गए। इसलिए यहाँ पर कभी जो तोता है, ये तोता कोई साधारण तोता नहीं। आप देखो ये भागवत कथा सुनने का पहला फल क्या है, राधा रानी कहती है श्याम सुंदर ये तुम्हारी कथा नहीं, तब कथा अमृतम। ये कथा को जो सुनेगा जगत में वो हम रक्त की प्राप्त करेंगे। आप और हमारी कथा छोड़ दो, जिस कथा को स्वयं शंकर जी कहते हैं, ये भागवत कथा सुन करके मैं स्वयं अमृत की प्राप्ति की, जो जगत जननी जगदम्बा स्वयं माँ पार्वती, तब तक ये शरीर के छोड़ते रही जब तक उसने ये भागवत कथा नहीं सुनी, तभी ये कथा का नाम है ये अमर कथा इसको कहते हैं। इसलिए कथा का पहला लाभ है जगत में हम भी अमरत्व की प्राप्त करेंगे। बलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। बोले कथा सुनने का दूसरी लाभ क्या है, बोले तप्त जीवनम। आप लोग सुन रहे कि नहीं, कल आप लोग से मैं पूछूंगा कि कथा सुनने का बताया आठ लाभ है, अभी मैं आपको एक एक कर लाभ बताऊंगा जिसको राधा रानी स्वयं कहती है, और कल आपसे मैं फिर सुनूंगा जो ये बात बता पाएगा ना उसको बढ़िया में इनाम देगा। जो कल ये कथा को हमें सुना देगा आठ लाभ यादे की कथा सुनने का। दूसरा लाभ है तप्त जीवन। तप्त जीवन का मतलब है हम संसार में सबके सब दुखी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोस से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई बहू से दुखी। देखना इस दुनिया में सब दुखी 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 दुखी। एक व्यक्ति को पूछो कैसे, हाँ ठीक ठाक है, अंदर की बात सुनो ना, अंदर में आग जल रही है। इसलिए संसार में हम सबके सब दुखी है, लेकिन राधा रानी खुद कहती है तप्त जीवनम। ये जो हमारी उत्तप्त जीवन है, ये जो दुखमय जीवन है, अगर कोई कथा सुने ना, जीवन का सारे दुख तुम्हारी समाप्त हो जाए, जीवन में कोई दुख कष्ट नहीं रहेगा। देखो इसका प्रमाण, देखो इसका प्रमाण देख लो। यहाँ पर समझो हम दो तीन घंटा तक बैठ कर कथा सुने, हम सबके सब दुखी है, लेकिन आप देखना जब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे आपको कोई संसार का दुख कष्ट सता रहा है, जो तन से मन से दुखी कोई आपको कोई याद है? आप देखना ये कथा से निकलते ही, केवल पैंडल से बाहर निकलो, निकलते ही घर में जाने पर ये होगा, घर में जाने पर ये होगा, घर में ये दुख, घर में ये समस्या, केवल पैंडल से बाहर निकलते ही दिमाग में सब पहाड़ जैसा आकर बैठ जाएगा। लेकिन जब तक हम यहाँ पर बैठेंगे देखोगे कोई दुख कष्ट हमें सता नहीं सकते, इसका यही प्रमाण है। इसलिए दूसरा लाभ है सारे दुख कष्ट हमारे खत्म हो जाएंगे। बोले तीसरा लाभ क्या है, बोले कलमश अपह। जीवन में हम दुख कष्ट क्यों भोग कर रहे हैं, इसका कारण है ये हमारे पूर्व जन्म का पाप है, इसलिए हम ये दुख कष्ट भोग करते हैं। शास्त्र में बताया ये प्रारब्ध ऐसे की चीज है, प्रारब्ध समझते हो, पूर्व जन्म में हमने जो जो कर्म किया ये ऐसे एक चीज ये प्रारब्ध है। तो बड़े बड़े ज्ञानी जोगी भी ये प्रारब्ध को नष्ट नहीं कर सकते, कोई भी आपको पूर्व जन्म का कर्म भोगतना ही पड़ेगा। लेकिन राधा रानी कहती है भगवान की भक्ति ऐसे की चीज है, भगवान की कथा ही ऐसे की चीज है, कहते कलमश अपह, जितने तुम्हारी पाप सब नष्ट हो जाएगी। वाल्मीकि जैसे व्यक्ति ये पूर्व जन्म में ये पहले कौन थे, दस्यु रत्नाकर, इतने ब्राह्मण को उन्होंने हत्या की थी, उनका जन्म से कुआ भर गया था। लेकिन जब नारद जी मिले, बोले एक बार तो राम का नाम ले, बोलो राम, आप लोग बोलिए राम राम, लेकिन उसका मुंह से राम का नाम ही नहीं निकला। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते हो, हाँ इतना तो बोल सकता हूँ, बोले उल्टा नाम जपते जगह जाना, और बाल भी है ब्रह्म समाना,
और नाम ले तब सिंधु सिखाई विचार कर सुमन मनवाई। प्रभु का उल्टा नाम लेते लेते दशरथ नागर बाद में बन गया और प्रभु आने से पहले उन्होंने रामायण लिख डाले। इतने भक्ति की प्रभु के नाम में इतने शक्ति है। जैसे कथा सुनने से तीसरा लाभ है, हमारा जितने पाप है सारे पाप हमारा धुल जाएगी। हम आगे सुनेंगे धुर्धुकारी का कथा सुनेंगे, ये कितना बड़ा पापी था और ये भागवत सुनते सुनते इसे मुक्ति प्राप्त हुई। बोले चौथा लाभ क्या है, बोले श्रवण मंगल, श्रवण मंगलम, कथा सुनने का साथ साथ तुम्हारा जीवन में कितना मंगल भवन अमंगल हरि। कथा सुनने का साथ साथ सारे पाप हमारे नष्ट हो गया और जीवन में मंगल और मंगलमय शुरू हो गया जीवन में। देखो अब रामायण की एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। अगर अनजान में भी हमें पता नहीं कथा बता क्या होता है, हमने अनजान में कैसे कथा में बैठ गए, इसका कितना लाभ। वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में पहले वो लिखते हैं, बोले एक समय ये पृथ्वी लोगों में एक राजा रानी थे जिनका नाम था सुमति और सत्यवती। लेकिन ये राजा रानी होते हुए भी उनका कोई अभिमान नहीं, घर में ठाकुर का दरबार है, राम लक्ष्मण जानकी के दरबार है, अपना हाथों से ठाकुर को सेवा करते थे। अब ध्यान देकर सुनो चीज को, जिसको सुनने पर आपके हृदय में भी ठाकुर भक्ति में प्रेम आएगा, ठाकुर सेवा करने का महिमा पता चलेगा। अपना हाथ से अपना सिंगर करते थे ठाकुर जी को, राजा रानी होते हुए भी मंदिर मार्जन करते थे, ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर फूल की माला बना करके पहनाया करते थे, ठाकुर को हैं अपना हाथों से रोसी बना करके भोग लगाते थे। अगर उनको ज्यादा समय मिले ना, राजा बैठ करके वाल्मीकि रामायण पढ़ते थे और पत्नी सामने बैठ कर कथा सुनते थे। और थोड़ी सी ज्यादा अगर समय मिल जाए, मेरे तरफ में देखो, राजा रानी दोनों ऐसे माल लेते थे बैठ करके, बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पति पत्नी बैठ करके प्रभु को माला जप करते थे। एक दिन एक ऋषि उनको घर में आए जिनका नाम था विभांड ऋषि। विभांड ऋषि राजा रानी की भक्ति देख करके दंग रह गए। हे भगवान, देश का राजा रानी अपना हाथों से 24 घंटा 8 जाम ठाकुर जी के अपना हाथों से सेवा पूजा कर रही। इतने में ऋषि ने उनसे प्रश्न की, बोले महाराज ये बड़े बड़े संतों को जीवन में भी इतना परिवर्तन और इतने भक्ति में जो आविष्टता ये नहीं दिखती है, लेकिन आप राजा रानी होते हुए भी आपके इतने भक्ति में रुचि कैसे हुई। हाँ देखो एक चीज को सुनो, राजा कहते हैं अपना भजन कथा ना कहिबे जथा कथा, ये बंगला भाषा। इसका मतलब है अपना भक्ति की बात सबको नहीं बोलनी चाहिए। जैसे रात को बड़ी सुंदर सुंदर देखा ठाकुर जी की, ऐसे नहीं इस दुनिया को बोलते रहो, नहीं फिर आपका हृदय से खत्म हो जाएगा, अंतर ध्यान हो जाएगा। सबका नहीं बताओ, किसको बताओगे,
ऐसे व्यक्ति को बताओ जो तुम्हारी भावना को समझे और आगे तुम्हें उत्साह प्रदान करे। ऐसे नास्तिक व्यक्ति को बुला रही भगवान भगवान कौन देगा देगा, फिर क्या होगा, तुम्हारी भक्ति भाव खत्म हो जाएगी। इसलिए अपना भजन की बात सबको बोलना नहीं चाहिए। लेकिन राजा रानी ने कहा बाबा हमने ये रहस्य बात अभी तक हम किसी को नहीं बताए, लेकिन चूंकि आप संतो हो संतों का हृदय की बात बोल देनी चाहिए, क्यों फिर हमें संत आगे की बात बताते और कैसे भक्ति में बढ़ोगी। उन्होंने बताया मैं जाति स्वर हूँ। जाति स्वर का मतलब कहते पूर्व जन्म की बात जिसको याद रहे, बोले मेरे को चार जन्म की बात मुझे याद है। बोले चार जन्म की, बोले हाँ, बोले कैसे, बोले सुनो चार जन्म से पहले मेरा नाम था मालती, मैं बहुत ही बदमाश था, ऐसे कोई दुष्ट काम नहीं जो गंदा काम जिंदगी में नहीं किया, परिवार वाले दुखी होकर घर से मेरे को निकाल दिया। मेरी जो पत्नी आप देख रहे हो इसका नाम थी काली, उसने अपना पति को ही हत्या कर दी, इसका परिवार वाले इसको भी घर से निकाल दिए। हम दोनों भ्रमण करते करते एक दिन दोनों मिले, देखा अकेला जीवन बीत नहीं रहा था, हम दोनों इकट्ठा रहने लगे, जानवर को मार कर उनका मांस खा करके अपना जीविका निर्वाह करते थे। जब हम दोनों वृद्ध हो गए हमसे आहार संग्रह नहीं हो पाया, बड़ी कष्ट से अपना जीवन को बिता रहे थे। एक दिन हमने देखा हम जहाँ रहते थे पास में श्री वशिष्ठ जी का आश्रम था, हमने देखा कुछ लोगों को वहां पर एकत्रित होते हुए, हमने कहा भैया जी क्या बात है आज यहाँ पर इतने लोग एकत्रित क्यों हुए। हम दोनों वहां पर गए, हमने सुना यहाँ पर 9 दिन तक प्रभु राम की कथा रामायण होगी, और जो व्यक्ति ये कथा सुनने आएंगे कथा को बाद में उनके लिए प्रसाद का भी व्यवस्था है। हम दोनों तो इतने प्रसन्न इतने खुश हो गए, अभी 9 दिन के लिए हमें खाने पीने का कोई चिंता नहीं, केवल आ जाओ और कथा में बैठ जाओ और कथा भी सुनना हो जाएगा, ठाकुर जी की प्रसाद मिल जाएगी। हमने केवल 9 दिन तक कथा और ठाकुर जी की प्रसाद उठाए। कुछ दिन बाद में हमारी मृत्यु हुई, हमें जमदूत पकड़ करके जमपुरी ले गए। जब महाराज चित्रगुप्त को बोले इसका कापी खोलो, चित्रगुप्त ने कहा महाराज ये दोनों ही बदमाश हैं, ये दोनों ही बदमाश हैं, ऐसे कोई पाप नहीं जो ये दोनों ने नहीं की। बोले थोड़ी बहुत तो कोई पुण्य भी होएगी। उन्होंने कापी खोलते खोलते बोले हाँ इनकी थोड़ी सी पुण्य भी है। बोले क्या पुण्य है। बोले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम को पास में रहते थे, एक समय वहां पर प्रभु राम की कथा हो रही थी, ये दोनों ने कथा में जाकर के प्रभु राम की कथा सुने, उसको बाद में ठाकुर जी की प्रसाद बताए, केवल इतना ही जीवन में पुण्य और कोई पुण्य नहीं, सब पाप ही पाप है। वो राजा कहता है बाबा मेरे को पता नहीं था ठाकुर जी की कथा में इतने शक्ति, जब महाराज ने ये बात को सुने हमारा सामने जितने हमने पाप की थी सारे पाप को हमारा सामने काट दिया। बोले 9 दिन तक प्रभु राम की कथा सुने भगवान की प्रसाद को पाए, इनके सारे पाप को हम माफ कर देते, सारे पाप को उन्होंने कटवा दिया और हम दोनों को रमा वैकुंठ में 100 साल के लिए भेजा। वहां पर इतने ऐश्वर्य इतने भोग क्या आपको वर्णन हम नहीं कर सकते। उसको बाद में फिर हम दोनों को ब्रह्मलोक में भेजा गया, वहां पर भी 7 साल तक सारे ऐश्वर्य भोग की। 7 साल के बाद में फिर दोनों को इंद्राणी बना करके स्वर्ग लोक में भेजा गया, वहां पर भी अथा ऐश्वर्य भोग की। और उसके बाद में अभी ये पृथ्वी का राजा रानी बनकर हम आए ही, हमारी थार बात हम देख ही रहे। ये 4 जन्म की बात हमें याद है। अगर अनजान में कथा में बैठने पर अनजान में ठाकुर जी की प्रसाद पाने पर अगर इतने पुण्य हो सकती है, अगर कोई जानबूझ करके भक्ति भावना से प्रेम से कथा सुने और ठाकुर का प्रसाद पाए तो आप सोच नहीं सकते हैं
ये कथा की इतने महत्व है, इतने महत्व है, ये वाल्मीकि स्वयं वाल्मीकि रामायण में ही स्वयं ये बात को बता रहे हैं। इसलिए गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर तुम्हारी जो कथा है, बोले श्रवण मंगलम, बोले तब कथा मृताल का कितना लाभ मैंने बताया, जोर से बोलो, चार लाभ बताया। हाँ हम लोग सही सही गिन रहे हैं। इसलिए कथा सुनने का जो पंचमा लाभ है, बोले ये कथा कौन किसको सबसे पहले सुनाए, बोले ये कथा सर्वप्रथम ये भगवान की मुखार बिंद से कथा निकली है। स्वयं भगवान कृष्ण पहले कथा को श्री ब्रह्मा जी को 40 श्लोक रूप में दिए। ब्रह्मा जी इसी कथा को फिर श्री नारद जी को देते हैं, फिर नारद जी इसी कथा को व्यास देव को दिया, फिर व्यास देव सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी श्री परिचित और श्री सुतो गोस्वामी, सुतो गोस्वामी सौंदगाद ऋषियों को दिया। ये कथा सबसे पहले भगवान की मुखारविंद से ही ये कथा निकली है। इसलिए कथा को सुनने वाले कौन है, साधारण व्यक्ति नहीं, जिस कथा को ब्रह्मा भी सुनते हैं, विष्णु भी सुनते हैं, नारद भी सुनते हैं, व्यास पराशर आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस कथाओं को श्रवण करते हैं। फिर इसका जो छठवां लाभ है, बोले श्री, श्री मतलब होता है शोभा सौंदर्य। जो ये कथा को सुनते हैं जगत में उनकी बड़ी जयजयकार होता है। देखो जिन जिन मैंने कथा सुने सब अमर हो गए, ये सारे ऋषि मुनि अमर हो गए, क्यों कथा को सुने। और श्री मतलब होता है लक्ष्मी, अगर ये कथा कोई सुनेगा ना, घर में माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी, घर में खूब माल आएगी, खूब घर में पैसा आएगी। और श्री बोले दा मतलब मतलब खंडन। जो ये कथा को सुनते हैं, तो जितने संसार के आसक्ति बंधन है ये सब के सब नष्ट हो जाएगी। कल इसका आठवां है राधा रानी कहती है, जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, कोई स्कूल खोल दे, कोई कॉलेज खोलते हैं, कोई अन्य छत्र खोलते हैं, जगत में बड़े बड़े दान के उनके ऊपर में विशेष विशेष कृपा की प्राप्ति होगी, क्योंकि इनके जैसे पुण्य जगत में कुछ हो नहीं। नहीं बोले श्रीमद भागवत कथा मृत जोर से जय कर लेना, बोले श्रीमद भागवत कथा मृत देखो ये चार अक्षर में ही इसका सारे रहस्य छुपा हुआ है। बोले भा मतलब बोले शोभा, वा प्रकाश, बोले भाति सर्वेषु लोकेषु। जो भागवत केवल हम ही सुन रहे हैं ऐसे नहीं,
हम स्कंद पुराण की कथा सुनाएंगे। जिस समय भगवान कृष्ण ये विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं, उन्होंने तीन देवता को सबसे पहले सृष्टि की, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को बोले तुम्हारा काम है सृष्टि करना, शंकर जी को बोले तुम्हारा काम है संहार करना, विष्णु को बोले तुम्हारा काम पालन करना। इतने ब्रह्मा जी आते हैं, बोले प्रभु ये जो सृष्टि का काम रजोगुण का काम है, ये रजोगुण से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले ब्रह्मा जी आप ये 7 दिन तक अगर ये भागवत कथा श्रवण करोगे आपके ये रजोगुण प्राप्त नहीं कर सकता है। इतने में नारायण आए, बोले प्रभु जी आपका आशीर्वाद से तो मैंने ये संसार को पालन कर सकता हूँ, लेकिन लक्ष्मी को कैसे पालन करूँ। ठाकुर जी बोले आप भी कथा सुनो और सुनाओ। इसे स्वयं नारायण बैठ करके जब कथा कहते हैं, माँ लक्ष्मी बैठ कर कथा सुनती है। हम तो 7 दिन तक कथा सुनेंगे, जब नारायण कथा सुनाते हैं और 1 महीना में कथा को पूरी करते हैं, फिर माँ लक्ष्मी कथा सुनाती है। कहते नारायण तो 1 महीना में खत्म करते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए कथा सुनाती है, इसलिए उनको 2 महीना लग जाते हैं। अभी शंकर जी आए, बोले प्रभु ये जो संघार का काम है ये तमोगुण का काम है, ये तमोगुण से मुझको मुक्ति कैसे मिलेगी। भगवान ने कहा कथा सुनाओ और सुनो। जब शंकर जी कथा करते हैं और 1 साल तक कथा को व्याख्या करते हुए बड़ी सुंदर से कथा सुनाते हैं, उसके बाद में फिर माँ पार्वती कथा करती हैं, शंकर जी सुनते हैं, बोले मैया की कथा दिन में समाप्त करती हैं, बोले 2 साल उससे भी सुंदर व्याख्या करती है माँ पार्वती। देखो ये भागवत कथा की कितने महत्व है, जिस कथा की प्रभाव से ये जगत का सृष्टि स्थिति प्रलय, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये दुनिया के सारे काम के भागवत की कथा की कल्प सब हो रही, इतने कथा की महत्व है। इसलिए इसका पहला अक्षर है भा, बोले दूसरा अक्षर बोले ग, बोले ग मतलब होता है गीयते नारद आदि भी। जिस कथाओं को नारद आदि बड़े बड़े ऋषि लोग जिस कथाओं को गान करते हैं, बोले ब मतलब बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्र, जितने सारे शास्त्र में जो सर्वश्रेष्ठ शास्त्र कौन है, बोले ये श्रीमद् भागवत का है। इसलिए हम लोग आगे श्रवण करेंगे, व्यास देव जी ने सारी ग्रंथ रचना करते हुए भी उनको शांति नहीं मिली, जब उन्होंने ये भागवत ग्रंथ को रचना की तभी उनको पूर्ण शांति केवल ये भागवत ग्रंथ से ही प्राप्त होता है। अब ये जो भागवत ग्रंथ बोले सर्व वेद इतिहासानां सार सार समुद्रितम, जितने वेद पुराण इतिहास है उसका जो सार है ये श्रीमद् भागवत है। बोले त मतलब बोले तरई च भवार्णव, मतलब अगर ये भागवत कथा को कोई श्रवण करेगा तो अब कथा श्रवण करते करते ही ये भवसागर से अपने आप पार होकर के ठाकुर जी के सुचरण में पहुंच जाओ केवल कथा सुनते सुनते। इसलिए ये 4 अक्षर में पूरी भागवत विद्यमान है। बोले श्रीमद् भागवत कथा जय, बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे की। वृंदावन के I'm
एक संत दूसरे संत से बोले, भाई जहाँ देखो वही कहता है तानी बजाओ तानी बजाओ तानी बजाओ। जगराता में भागवत में कथा में कीर्तन में जहाँ देखो वही कहता है तानी बजाओ तानी बजाओ। तो संत बोले कि ताली आखिर बजाने से होता क्या है? तो दूसरे संत बोले कि कीर्तन में ताली बजाने से, कीर्तन में ताली बजाने से पाप निकल जाता है। तो दूसरे संत बोले भाई पाप निकल कर जाता तो जाता कहा है, उसको तो रहने के लिए जगह चाहिए, सही कि नहीं? उसको रहने के लिए तो जगह चाहिए, सही है। आप ताली बजाए हो आपका पाप निकल जाता है, लेकिन बैठेगा कहाँ? जो कीर्तन में ताली बजा रहे हैं उनका पाप निकल कर उनके सर पे बैठ जाते हैं जो ताली नहीं बजाते, ठीक है? तो आपको पाप बैठा रहा है कि निकल रहे हैं आप सोच जो नाचे होंगे तो बात क्या है? और जो नहीं नाचते हैं कीर्तन में, महाराज जी बताएंगे वो अगले जन्म में पेड़ बन जाते हैं। तो कीर्तन में नाचना चाहिए, ये कीर्तन में नाचना और ये ताली बजाना और माला बनाना ये सब भक्ति का अंग है। इसलिए कीर्तन में नाचना चाहिए। जैसे मीरा भाई राजधान में सभी बाबा की राजधानी छोड़ कर दिया पागल जैसे घूमने लगे और नाचने लगे गाने लगे। तो कीर्तन में नाचना, संसार के सामने हम नाचते ही रहते हैं लेकिन भगवान के सामने नाचना वही नाचना होता है। तो आइए सभी मिलकर हम लोग जहां जाते हैं, चाहे बॉम्बे ले लो, वृंदावन ले लो, राजस्थान ले लो, पंजाब ले लो, दिल्ली ले लो, कीर्तन शुरू और नाचना शुरू। मुझे यहाँ पता नहीं है आज पहला दिन है, कीर्तन शुरू और नाचना शुरू। और सबसे पहले गोपियां होती है क्योंकि लेडीज का हजे, इसलिए सात दिन में इसको वृंदावन बनाया। भाई आइए सभी लोग ताली बजा कर नाचते हैं, जिनको नाचना आता है वो सामने आ जाए, बहुत ज्यादा बोली है और नाचते हुए ताली बजाते हैं, बैठे बैठे ताली बजाते हुए गाएंगे। Yeah.
राधे जपे जा राधे राधे वृंदावन का बाकी भी है क्या भाव है, लेकिन वहाँ पर कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं। जानते हो वहाँ पर क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, राधे 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 राधे। बोले वृंदावन में राधे राधे क्यों बोलते हैं, वहाँ कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोलते हैं? ये बात को बाकी क्या खुद कहते हैं। बोले रा सत्य
रामी भक्ति उत्तमं भासत कुर्बत पश्चात धावि श्रवण लोभा। कृष्ण कहते हैं अगर कोई रा अक्षर केवल बोल दे, राधा जी के नाम का पहला अक्षर बोल दे, तो भैया मेरे को तो चिंता लग जाती। बोले किस चीज की? बोले इसको मैं क्या ढूं, मैं राधा जी की रा अक्षर बोला, ये रा अक्षर इतने महिमा है तथा ये विश्व ब्रह्मांड में बांके बिहारी को कुछ देने के लिए नहीं मिलता है। बांके बिहारी कहते मैं तब से मैं उसको अपने आप को दे देता, बोले आज से तेरा ही हो गया। अरे किसने धा बोल दिया रा और धा, अरे ये दो अक्षर बोल दिया। कृष्ण कहते हैं ये दो अक्षर सुनने के लिए मैं उसको पीछे 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 भागता रहता हूँ। इसलिए एक भजन गाते हैं ना, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा जी का नाम लेते बिहारी जी भागते भागते आते हैं। आप बताओ राधा अक्षर को अगर बदला दो तो क्या होगा? बताओ धारा। इसलिए ये राधा नहीं तथा ये कृष्ण प्रेम रस की ये धारा है, ये श्री राधा रानी। इसलिए हमारे ये जो संत कहते हैं बोले वैदस्य भी सिंधु रस मूर्ति कृपायत सिंधु वात्सल्य सिंधु रति केली सिंधु श्री राधी के स्फुरत में रस केली सिंधु। कहते जैसे सात समुद्र है, इकु समुद्र लवण समुद्र मधु समुद्र, ऐसे ही श्री राधा रानी के अंदर में ये सारे समुद्र श्री राधा जी के अंदर में, वो वात्सल्य के समुद्र है, प्रेम की समुद्र है, विदग्धता के समुद्र है, रस की समुद्र है, सारे समुद्र श्री राधा जी में सारे समुद्र विद्यमान। इसलिए पहला युग में केवल कृष्ण को नहीं वो राधा रानी को साथ में कृष्ण को प्रणाम करते हैं, शिक्षा देते हैं अकेला कृष्ण पूजा नहीं करनी चाहिए, मना करते हैं। इसलिए हमारे संप्रदाय में संत लोगों ने कहा अकेला माधव पूजे सो अज्ञानी, वो अकेले कृष्ण को कौन पूजा करते हैं? बोले जो अज्ञानी वही अकेले कृष्ण को पूजा करते हैं। और राधा अनादर करे अभिमानी, जो अभिमानी लोग उस राधा जी को अनादर करते हैं। इसलिए राधा कृष्ण जुगल की हमें उपासना करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं उनकी उपासना से क्या होगा, बोले तुमको छह चीज मिलेगी। अगर उनकी उपासना करोगे तो क्या मिलेगा? छह। क्या है? बोले सच्चिदानंद रूपाय, जो भगवान के रूप है वो तीन चीज को तरह भगवान बनेंगे। और हमारा जो शरीर है पांच चीज को तरह हमारी शरीर बनेगी है। वो खिपी जला पाप गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, ये हमारी अधम शरीर है। बोले क्यों? इसमें टाटी पेशाब खून पी कर कुछ है नहीं शरीर, ये पंच भौतिक शरीर है। मिट्टी वायु अग्नि जल और आकाश, ये पांच चीज से की शरीर बनी हुई। आप सवेरे उठ करके देखना सारा शरीर से बदबू ही बदबू निकल रही है, कान से बदबू, आंख से बदबू, नाक से बदबू, मुंह से बदबू है, और नीचे से बदबू बदबू तो है ही है, क्योंकि ये अधम शरीर है। लेकिन भगवान कैसे ही? बोले भगवान ऐसे नहीं, उनका जो स्वरूप है सत चित और आनंदमय है। इसलिए भगवान का स्वरूप सत, सत मतलब जो सत्य है, और चित मतलब जो ज्ञान स्वरूप, और आनंद मतलब जो आनंद स्वरूप है। भगवान सत चित आनंद है, और हम लोग कौन है? जो जीव है बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव है वो ईश्वर का अंश है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, भगवान कहते बोले ममई बांस जीव लोके जीव भूत सनातन। कृष्ण कहते हैं अर्जुन जितने जगत में जीव है वो कौन है? सबके सब मेरे संतान है, हम सबके सब ठाकुर का संतान है। जैसे भगवान सत चित आनंद है, उसका जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमें अंदर है, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। देखो कैसे भगवान जो तीन स्वरूप
जिंदगी भर आदमी यही तीन चीज को ढूंढ रहे हैं, कैसे भगवान सत है होने का नाते। बताओ आप लोग कोई बुढ़ा बुढ़ी बनना चाहते हो? हम बुढ़ा बुढ़ी क्यों बनना नहीं चाहते? कारण है भगवान सत्य स्वरूप है। इसलिए भगवान का जो उम्र है 14.5 साल से प्रभु का उम्र कोई ज्यादा नहीं होता। राम का 14.5 साल से भगवान राम जगत में 11,000 साल तक राजत्व की, लेकिन भगवान के स्वरूप में कभी भी बुरा स्वरूप नहीं देखोगे। उनकी जो शक्ति लक्ष्मी सीता देवी राधा रानी गोपियों को कभी बुरी देखती हो, वो 13.5 साल से उनका उम्र कम ज्यादा नहीं होता। ये आत्मा की यही स्वरूप है। अरे हम सबके सब भगवान की संतान होने का नाते हम भी जगत में अमर बनना चाहते हैं। कोई भी जगत में बुढ़ा बुढ़ी बनना नहीं चाहते। अगर एक बार पक जाए ना उसको उखाड़ देते हैं। क्यों? मैं नहीं बुढ़ा बनना नहीं चाहते। हम ब्यूटी पार्लर में क्यों जाते हैं? कारण क्या है? हम इतने श्रृंगार क्यों करते हैं? हैं? हम लोग इसलिए श्रृंगार करते, कारण है कि चवन प्रास क्यों खाते हैं, जीव में क्यों जाते हैं। हम कोई भी जगत में बुढ़ा बुढ़ी बनना नहीं चाहते। बोले क्यों नहीं चाहते? बोले जो कृष्ण है वो सत है, वो सत्य स्वरूप है, इसलिए हम उनके बच्चे हैं। और भगवान ज्ञान स्वरूप है देखना, इसलिए हम सबके सब PhD डॉक्टर इंजीनियर हैं, CA। अगर एक व्यक्ति को बोल दो ना तेरी दिमाग नहीं, बोले मेरी नहीं है तेरी नहीं। कोई भी मानना नहीं चाहते हम मूर्ख है। अगर किसको मूर्ख बोले कोई सहन करोगे? बोले मैं मूर्ख ना तो तू मूर्ख हो। बोले क्यों? भगवान पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उनका आंसर। और भगवान आनंद स्वरूप है, हम जिंदगी भर इसी आनंद की खोज में ही जिंदगी बिता देते हैं, इसी आनंद में। क्यों? भगवान सच्चिदानंद रूपाय। लेकिन ये चीज मिलेगा कब? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। जब ठाकुर जी की शरण में जाएंगे तभी ये वस्तु तभी प्राप्ति हो सकती है। बोले तापत्राय विनाशाय। यदि ये जगत में आने पर हमें तीन तरह का दुख तो भोगना ही पड़ेगा। दुख तो 7 तरह का है, तो आगे सुनेंगे। ये जगत में 7 तरह का दुख सबको लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर 3 नाम आया है तापत्रय। एक है आध्यात्मिक, एक है आदि दैवी और एक है आदि भौतिक। बल आध्यात्मिक का मतलब जो मानस भी कष्ट है, शरीर और मन से दो कष्ट मिलता है, उसको कहते हैं आध्यात्मिक। सारे बीमारी की दवाई, लेकिन मानस की जो बीमारी है ना इसका कोई दवा नहीं है। कहते इसकी दवा क्या है? बल भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति में जाओ, शरण में जाओ, कि जो आध्यात्मिक जो मानसिक कष्ट ये तुम्हारी खत्म हो जाएगी। दूसरा जो कष्ट है आदि दैवी, ये देवताओं के द्वारा देश है। बहुत ज्यादा बारिश हो रही, नहीं तो कभी बारिश हुई नहीं, कभी अकाल आ गया, कभी सुनामी आ गया, कभी भूचाल आ जाए, इसको कहते हैं आदि दैवी। बोले आदि भौतिक, बोले एक जीव से दूसरे जीव को जो कष्ट होता है, जैसे मच्छर काट दिया, सांप काट दिया, जैसे अभी देश देश में लड़ाई हुई है, देश देश में अमेरिका चाइना भारत है, दूसरे दूसरे जो एक दूसरे को जो धमकी दे रहे हैं हम एटम बम गिरा देंगे, कहते एक देश देश से जो जाति जाति में जो लड़ाई, कहते ये आदि भौती एक जीव से दूसरे जीव को जो कष्ट मिलता है, कहते ये सारे कष्ट कब दूर होगा? बोले सब दुख दूर जाए जब तेरा नाम है। इसलिए जब ठाकुर जी के शरण में जाएंगे तभी ये सारे दुख हमारी समाप्ति हो सकती है। इसलिए जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी ये परीक्षित महाराज को ये भागवत कथा श्रवण कराए, ये भागवत कथा जब समाप्त हो गई, गोलोक वैकुंठ से रथ आया और परीक्षित महाराज वो रथ में बड़ी सुंदर एक गोपी स्वरूप धारण करते हुए बैठे और उन्होंने भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक को पार करते हुए सीधा गोलोक वृंदावन चले। इतने में ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। इन्होंने जीवन में कुछ भी नहीं किया, केवल उन्होंने कथा ही सुने और कथा सुनते सुनते भगवत प्राप्ति हो गई। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जो तराजू ली, देखो भागवत कथा की कितने महत्व है, उन्होंने जो तराजू ली
तराजू का एक तरफ में हमने ये जगत का जितने सारे पुण्य है सारे पुण्य को एक तरफ से धर दिए, तराजू के दूसरे तरफ में केवल भागवत कथा की महिमा को उन्होंने धरा। जिधर भागवत कथा की महिमा को धरा वो पत्थर के पत्थर जैसे जमा रहा, और दूसरे तरफ में जगत का जितने पुण्य है वो सब के सब हल्का होकर ऊपर उठ गया। ब्रह्मा जी को पता चला भैया ये भागवत कथा जैसे पुण्य जगत में और कुछ है नहीं, ये जगत में सबसे ज्यादा पुण्य है ये भागवत कथा की। इसलिए ब्रह्मा जी आदेश दिया, क्योंकि इनके जितने सारे बच्चे हैं सब के सब कौन है, बड़े बड़े संत हैं, नारद जी चतुसर है सबके सब बड़े बड़े संत है महापुरुष है, बोले आज से ये ब्रह्म लोक में नित्य निरंतर ये भागवत कथा चलनी चाहिए है। एक समय श्री नारद जी मर्त्य जगत को पुण्य भूमि मान करके भारत भूमि किसी जगत में आए, लेकिन श्री नारद जी जब गए जहां जहां गए देखा नारद जी कली सब जगह में डॉक्टर करके बैठा हुआ, कली किसी को नहीं छोड़ा, किसी तीर्थ को भी नहीं छोड़ा, किसी साधु संत को भी नहीं छोड़ा, किसी गृहस्थ घर को भी नहीं छोड़ा, सब जगह में ही कली अपना प्रभु विस्तार करके बैठा हुआ। उसने सोचा श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी का धाम है, चलो हम श्री वृंदावन धाम जा करके देखते हैं। जब श्री नारद जी वृंदावन धाम में और श्री जमुना किनारा में आए उन्होंने एक आश्चर्य घटना देखा। उन्होंने क्या देखा, एक सुंदरी युवती बैठी हुई, उसकी अगल बगल में कुछ सखियां उनकी सेवा कर रही थी, और देखा दो बगल में दो एकदम वृद्ध जिनके बाल सफेद हो गया, चमड़ी एकदम ढीली पड़ गई, तो वृद्ध दोनों तरफ में लेटे हुए। जब नारद जी वहां पर पहुंचे सोचा से आज वृंदावन धाम कहीं सत्संग होती होगी, देखा वहां सत्संग नहीं वहां पर तो रोना धोना है। नारद जी जब देख कर वहां से भगे, इतने में वो एक जो युवती बैठी हुई थी बोले भो भो साधु क्षण तिष्ठ मतिंता अपिनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। बोले हे श्री नारद जी बड़े भाग्य से कहीं संत का दर्शन मिलता है, मेरा अवभाग्य था आज संत दर्शन हमें मिला है, लेकिन आप आकर तो फिर कहाँ जा रहे हो, थोड़ी सी रुक जाओ। नारद जी वहीं पर खड़े हो गए, बोले देवी जी आप कौन हो, बोले आप मेरे को नहीं जानते हो, बोले नहीं लगता है जैसे आप तो कहीं देखा, मेरे को याद नहीं आता। किट्टू बोले देखो किट्टू मेरी नाम है भक्ति, धन्यवाद करो कि जो दो बूढ़े लेटे हुए हैं एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम भैया है। बोले नारद जी जगत में नियम है, मैया होती है वृद्धा और बच्चे होते हैं जवान, लेकिन आप देखो तो मेरी धूप को मैं मैया तो मैं हो गई युवती और मेरे जो दो बच्चे हैं ये दोनों हो गए वृद्ध हैं। कैसे कैसे हुआ, बोले उस करना द्रव्य साहब वृद्धि करना टके गता क्वचित क्वचित महाराज गुर्जरे जिर्णता गता। बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहब, बोले द्रविड़ देश में मेरी जन्म हुई है और उत्पन्ना द्रविड़े साहब वृद्धि कर्नाटक गता, कर्नाटक में जा करके मैं बड़ी हुई, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरे को इज्जत मिली है, लेकिन जब मैं गुजरात में गई एकदम मैं बूढ़ी हो गई हूँ। बोले इसका मतलब क्या है, बोले इसका मतलब है ये गुजरात पहले बड़ा नास्तिक देश था, कहीं भी ठाकुर का सेवा पूजा नहीं, कहीं भी ठाकुर जी की भक्ति नहीं, कहीं भी तुलसी की पौधा नहीं। अगर कोई संत चले जाए ना गुजरात में पहले, अगर कोई तिलकधारी कंठीधारी कोई चोटीधारी, बोले अगर कुछ तो तिलक दे दिया, बोले क्या बगुला टाटी कर दिया है,
गले में अगर कंठी पहन लिया बोली लकी क्यों पहन करके रखे हो, अगर कोई चोटिल पहना तो लगा तो बोले क्या एरिया है तुम्हारे, जब तक उसको खदड़े नहीं दे दिल से उसको पीछा नहीं छोड़ सकते। अगर कोई संत अगर भूल से चले गए मतलब इतना नास्तिक देह से गुजरा था, लेकिन आप अभी देखो अगर सबसे ज्यादा कहीं भक्ति है ना आपको ये गुजरात में मिलेगा, सबसे ज्यादा भक्ति मिलेगी। बोले कैसे हो गई, बोले वहां पर बड़े बड़े संत लोगों ने जन्म होंगे, श्री बल्लभाचार्य जन्म होंगे, श्री तुकाराम जी जन्म हुए, नरसिंह भगत जन्म हुए हैं, वहां पर बड़े बड़े साधु पुरुष जन्म हुए। इसलिए भागवत में बताए जहां पर एक संत जन्म ले ले उसका प्रभाव से कोटि योजन तक कवित हो जाती है उनकी भक्ति के प्रभाव से। इसलिए गुजरात अभी पूरा सारा दुनिया में, और जहां पर ज्यादा भक्ति नहीं होना वहां पर ज्यादा पैसा भी आती है, ज्यादा पैसा कहाँ आएगी, बोले जहां पर प्रभु की भक्ति होगी, जो भगवान की सेवा पूजा भक्ति करेगी भगवान की कृपा उसके ऊपर लक्ष्मी की भी कृपा ज्यादा, बोले क्यों लक्ष्मी की कृपा होती है, ये लक्ष्मी कौन है, ये लक्ष्मी ठाकुर जी की शक्ति लक्ष्मी है, नारायण की पत्नी लक्ष्मी, अगर कोई ठाकुर को सेवा पूजा करेगी ना फिर लक्ष्मी क्या करेगी, उसको पैसा लेकर छुपा छुपा कर देते हैं पीछे से छुपा कर फिर ले ले। क्यों, तो मेरी पति की सेवा कर रहे हैं ना, मेरे पति की। इसलिए देखना गुजरात में घर घर में देखना ठाकुर को पूजा है, सभी की गले में तुलसी कटी देखोगे, तिलक देखोगे, घर घर में गोपाल की पूजा देखोगे। इसलिए आप देखोगे सबसे ज्यादा भारत में पैसा कौन सा देश में, गुजरात, ये गुजरात में। और सबसे ज्यादा दानी भी देखोगे ना गुजरात में, सबसे ज्यादा दानी भी आप गुजरात में देखोगे, क्योंकि ये भक्ति की ये प्रभाव है, ये भक्ति की। हमारे मोदी जी कहाँ थे, गुजरात, गुजरात गए ना, ये भी गुजरात में। इसलिए कहते मैं गुजरात में आ करके हो गई बुरी, लेकिन जब मैं वृंदावन में आई हूँ, वृंदावन में हो गई युवती, और मेरे को दो बच्चे थे ना ज्ञान और वैराग्य, ये दो हो गए बूढ़े हो गए। बोले भक्ति जीवत क्यों हो गई, कारण क्या, बोले कारण ने बोले आली महिला आली महिला Thank you.
I'm gonna get
जो वृंदावन धाम है रसखान कहते हैं बोले तीरथ सुता के पग पग में प्रयाग जहां केशव की पहली कुंज कोटी कोटी काशी है बोले कोटि के द्वार पे है बसत है हरिद्वार बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है बोले स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या जानते नहीं है क्या हम श्री वृंदावन ये वृंदावन धाम कोई साधारण भूमि नहीं ये राधा जी की हृदय राधा रानी बांके बिहार की सेवा के लिए अपना हृदय कोई उन्होंने बिछा करके रखा ये श्री वृंदावन धाम इसलिए भक्ति देव के बच्चे किसके हैं कि बच्चे अपना अपना पास में इसलिए कहते श्री वृंदावन में आकर के तो मैं हो गई बुरी लेकिन मेरे तो दो बच्चे है ना आ गई युवती लेकिन मेरे तो दो बच्चे ये हो गए बूढ़े बोले इसका मतलब क्या बोले वृंदावन धाम में ये ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं क्योंकि वृंदावन धाम में ये प्रेम भूमि ये भक्ति के भूमि श्री वृंदावन धाम है जहाँ पर स्वयं परात्पर तत्व भगवान कृष्ण बोले बैठ पहले तो राधिका पायल वो स्वयं जहाँ पर श्री राधा रानी की ईश्वर जी की चरण की सेवा कृष्ण स्वयं श्री वृंदावन धाम में करते हैं इसलिए अभी बोले नारद जी मेरे बच्चों को ऊपर में कृपा करो इसलिए नारद जी बोले कोई चिंता मत करो तुम्हारे बच्चों को हम जवानी दिला देंगे बोले अगर तू जवानी दिला दिया ना मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ तेरी हृदय छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा इतने में नारद जी ज्ञान वैराग्य के कारण में वेद पुराण उपनिषद ब्रह्मसूत्र एक एक करके उन्होंने कान में उन्होंने सुनाया लेकिन किसी तरह से उनको चेतनता नहीं भई लेकिन जब भगवत गीता सुनाया ना आग पर से खुले क्योंकि जो गीता है ये भगवान की मुख निषिद्ध वाणी भगवत गीता लेकिन जब गीता समाप्त हो गया फिर ध्यान करके गिरे नारद तो बड़ी चिंता में पड़ गई ये गीता सुन करके भी ज्ञान नहीं हुई फिर उन्होंने सबको एक एक कर पूछे लेकिन जब श्री चतुर्सेन से पूछे इनकी जवानी कैसे मिलेगी बोले आप उनको ये भागवत कथा सुनाओ बोले मैंने इनको तो वेद पुराण उपनिषद मैंने सब कुछ सुना दी इनकी चेतनता क्यों नहीं भरी बोले देखो ये जो भागवत है क्या चीज बोले अर्थ अयम ब्रह्मसूत्रायाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री स्वरूपौ वेदार्थ परिप्रमिति जो भागवत ग्रंथ है ये अर्थ अयम ब्रह्मसूत्रायाम ये ब्रह्मसूत्र का अर्थ है गायत्री की भाष्य है वेद का सार है महाभारत का सार ये भागवत है इसलिए भागवत को बताया ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्री ये भागवत है ये भागवत में जो रस है और किसी ग्रंथ में ये रस है नहीं आप भागवत सुनाओ बोले आप ही कृपा करके कथा सुना दो चतुर्सेन बोले ठीक है बोले कहाँ सुनाएंगे बोले श्री हरिद्वार में बोले हरिद्वार में क्यों कथा सुनाए बोले एक तरफ में उत्तरांचल और दूसरे तरफ में उत्तर प्रदेश है एक तरफ में संतों का निवास है दूसरे तरफ में गृहस्थी का निवास है बोले ऐसे एक स्थान पर कथा हो जो कथा का रस सबके सब ही कथा का आनंद सबको मिलनी चाहिए सर्वप्रथम तो
कथा सुनने के लिए वैष्णव लोग आए, क्योंकि ये भागवत वैष्णव का ही प्रिय है। और देवता देव लोगों से देवता लोग भी आए, जितने ऋषि मुनि लोग आए, जितने गंगा जमुना सरस्वती सबके सब आए, ऐसे कोई नहीं थे जो कि ये कथा सुनने के लिए नहीं आए। और जो नहीं आए, घर घर में श्री वशिष्ठ जी घर घर में गए और सबको बोले बोले भैया चतुसन भागवत कथा कर रहे हैं, बड़े भाग्य से ये कथा सुनने को मिलती है, चलो हम सबके सब कथा सुनने के लिए जाएंगे। मतलब ये कथा सुनने के लिए सबके सब आए थे, लेकिन जब चतुसन कथा प्रारंभ करने जा रहे थे, इतने में स्वयं भक्ति देवी अपना दो बच्चे ज्ञान वैराग्य को लेकर के आए, बोले मुझे भी कहीं स्थान दो। बोले आपका स्थान है यहाँ पर, जितने संत लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं इनकी हृदय में ही आपका स्थान है। कति ये भक्ति देवी कौन है, कति ये स्वयं से राधा जी की स्वरूप है। अगर राधा रानी सभी के हृदय में बैठ जाए तो आनंद ही आनंद है। इसलिए मतलब जो कथा सुनते हैं ना, उनकी हृदय कौन बैठ जाती है, श्री कृष्ण जी बैठ जाती है, श्री राधा रानी बैठ जाती है। जो व्यक्ति कथा सुनते हैं, जब कथा प्रारंभ करने जा रहे थे, स्वर्ग से देवता लोग भी पुष्प की बौछार की और दुंदुभी और शंख बजाए और भागवत की जयकार देते हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा प्रीतम की जय। घर में आ नहीं आया, कुछ तो है और कुछ जय कर, और पीछे माता है तो कुछ बोल नहीं रही। देखो देवता लोग भी जहाँ कथा होगा, ये देवता लोग भी प्रसन्न होकर के जयकार देते हैं, हैं? इसलिए सबके सब जोर से जयकार लगाओ। बोले श्रीमद् भागवत कथा प्रीतम की जय। बोले सदा सत्यम सदा सत्यम श्रीमती भागवती वार्ता जस्या मातृणा हरिश्चितम समाश्रय। बोले जो लोग ये भागवत कथा श्रवण करते हैं, बोले जस्या श्रवण मातृणा, जो कथा सुनने का साथ साथ ठाकुर जी उनके हृदय में निवास कर जाते हैं। अगर किसी घर में केवल एक श्लोक अगर कोई पढ़े, अगर एक श्लोक नहीं आधा श्लोक पढ़े, आधा नहीं एक चौथाई अगर किसी घर में भागवत श्लोक पढ़े, तो उसके घर में श्री राधा जी के साथ में श्री बांके बिहारी की निवास हो जाता है। कितने महिमा जिस घर में कथा हो, और जिस घर में ये भागवत कथा हो, पृथ्वी का सारे निरथा करके वहीं पर निवास करते हैं, वो घर नहीं वो घर सख्यात गोलक वृंदावन हो जाता है। जब चतुसन ने ये भागवत कथा सुनी, ये भागवत कथा में स्वयं नारद जी, स्वयं उद्धव जी, स्वयं सुखदेव गोस्वामी, और कथा के प्रभाव से ये ज्ञान वैराग्य बड़े सुस्त होते हैं, ये बड़े सुखा होते हैं, लेकिन ये भागवत कथा के प्रभाव से वो सुखा हृदय में भी भगवत भक्ति रस की संचार हो गया। वहां पर ज्ञान वैराग्य भी नाच उठे, सुखदेव गोस्वामी भी जैसे जैसे भजन गा रहे थे उसी के अनुरूप बड़े हाव भाव से सुखदेव गोस्वामी नृत्य कर रहे थे, नारद जी वीणा बजा रहे थे, अर्जुन जी पखावज बजा रहे थे, श्री उद्धव जी मजीरा बजा रहे थे और बड़े सुंदर कीर्तन कर रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे Yeah.
पशुपति कीड़े मकोड़े भी भागवत कथा के प्रभाव से सबको मुक्ति मिल रही। नारद बड़ा आश्चर्य लगा, प्रश्न करते हैं अगर कोई प्रेत ज्योति में पड़ा हुआ हो उसकी मुक्ति किसी तरह से नहीं हो रही, क्या भागवत कथा से प्रेत जन्म से मुक्ति मिलेगी? नारद चतुसन बोले, जब भगवत कथा से साक्षात भगवत प्राप्ति हो जाए प्रेत जन्म से मुक्ति एक व्यक्ति चाहता है किसी ब्राह्मण घर में हो, ब्राह्मण घर में जन्म ले, उसको बाद में सुंदर शरीर हो द्वितीय इव भास्कर, दूसरे सूरज जैसे इतने तेजस्वी, उसके बाद में लिखाई पढ़ाई बढ़िया हो, वो इतने बड़ा विद्वान था है, इतने बड़ा विद्वान था और श्रौत शास्त्र, उसके बाद में बड़े बढ़िया पैसा हो, बड़े इतने पैसा जो सोच भी नहीं सकते हो, उसके बाद में क्या चाहते हैं किसी सुंदरी लड़की से शादी हो जाए, पत्नी धुंधली बड़ी प्यारी बड़ी सुंदरी, घर में सारे सुख है लेकिन एक ही कमी है, घर में कोई संतान नहीं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिक्षा दी है, कभी जगत का जितने सारे चीज हमारे पास में हो ही जाएगा, अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं करे तभी सुख शांति नहीं मिलती। हम कितने पैसा कमा लेंगे, क्या रावण जैसे इतना पैसा कमा सकते हैं जिनके सोने की लंका, हमारे पास में कितना सोना होता है 10 किलो 20 किलो 100 किलो, लेकिन रावण का पूरा लंका है लंका सोने की सोने, पत्नी कैसे मंदोदरी विश्वकर्मा की बेटी है, मंदोदरी मतलब क्या है, मंद मतलब होता है पतली, उदर मतलब कमर, जिसकी कमर बहुत पतली, बड़ी सुंदरी विश्व सुंदरी, बेटा कैसे बोले मेघनाथ जैसे बेटा, मेघनाथ जैसे बेटा, कितने नाती होती जब हनुमान जी को बांध करके मेघनाथ ले गया, देखा उसको प्यार को नीचे स्वयं बाल को दबा कर बैठा हुआ, हनुमान जी देखा उसको पिता जी उसको घर में झाड़ू लगा रहा, हनुमान जी पिता पवन देव घर में झाड़ू लगा रहा था, अग्नि देवता को देखा कपड़ा धुलाई कर रहा है,
नारद जी को देखा वहां पर उसको बिना बजा के भजन सुना रहा है। बोले हे भगवान, इतने बड़े प्रतापी लेकिन वो बेचैन से था, सुखी नहीं था वो व्यक्ति, सुखी नहीं था। लेकिन सुखी नहीं था बोले हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, भले ही सारा दुनिया की संपत्ति को इकट्ठे कर लो लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते हो शांति सुख नहीं मिल सकती। लेकिन एक व्यक्ति चैन से जी रहा था, कौन वहां पर चैन से जी रहा था, सुखी था, बताओ तो कौन था? विभीषण। क्यों? भगवान राम की भक्ति करता था। लेकिन हम सब चीज तो घर में सेट करते थे, डाइनिंग रूम भी सेट करते हैं, किचन रूम भी सेट कर देते हैं और बेडरूम भी सेट करते हैं, लेकिन केवल अपना मन ही अपसेट रहता है और सारे चीज को हम सेट कर देते हैं। हाँ, कहते ये मन सेट कब होगा? बोले मन तभी सेट होगा जब भगवान की भक्ति करेंगे। इसलिए इसको पास में सारे संपत्ति लेकिन प्रभु की भक्ति नहीं करता है इसलिए सुखी नहीं। और एक चीज समझाए, घर में बहुत पैसा है लेकिन सुखी नहीं। बोले क्यों? कारण क्या? वो बहुत बड़ा कंजूस था, एक पैसा भी कहीं धर्म में अच्छे कर्म में कभी भी नहीं लगाया करता था, कहीं भी अच्छे कर्म में नहीं लगाया करता था, एक भी पैसा को बड़ी कंजूस थी। इसलिए पैसा कौन है देखो, ध्यान देकर सुनो, पैसा लक्ष्मी, ये चीज को अच्छे तरह से दिल में बैठा लो, पैसा ही लक्ष्मी। बताओ लक्ष्मी हमारी ना लक्ष्मी नारायण, ये चीज को याद रखो, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी घर में तभी सुख देगी अगर ये लक्ष्मी अगर ठाकुर को सेवा में लग रही है। अगर ठाकुर को सेवा में नहीं लग रही है वो लक्ष्मी घर में कभी शांति सुख नहीं दे सकती। देखो आपको मैं एक सही घटना सुनाता हूँ, हमारी पुस्तक है। कहते इस समय दो पति पत्नी थे, खूब पैसा है लेकिन दोनों बड़ी कंजूस। ये दोनों सही घटना है, एक पैसा भी कहीं दान पुण्य में नहीं लगा, केवल जोड़ते रहते थे और कभी कभी सत्संग में भी नहीं जाते थे। बोले क्यों? बोले अगर सत्संग में जाएगी कुछ पैसा खर्चा हो जाएगा, कुछ पैसा खर्चा हो जाएगी, इसलिए सत्संग में भी नहीं जाते थे। अभी केवल पैसा जोड़ते अभी क्या होगा, उनको बच्चे होंगे, जब बच्चे होंगे अभी पिता माता का स्वभाव तो बच्चे में आएगा, वो कहीं दान पुण्य नहीं, कभी सत्संग में नहीं, कहीं धर्म कर्म में नहीं, धीरे धीरे बच्चों को अंदर में भी पिताजी की गुण धीरे 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 आता रहा, बच्चों का हृदय धीरे धीरे एकदम सूखा हो गया। घर में बहुएं भी आई, धीरे धीरे बच्चों का स्वभाव बहू में भी गई। अभी ये बच्चे लोग धीरे 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 ये पिता माता की मृत्यु के बाद में सोचने लगे, ये बड़े बुरे बुरी कब मरे। उनको पता चला पिताजी जिंदगी भर केवल पैसा जोड़ते घर में रखे हुए। सही घटना ये है, अभी जितने बहु आई उनका हृदय भी धीरे 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 सुस्त, क्योंकि बच्चे का स्वभाव पति को अंदर में आएगी। यदि बच्चे पत्नी आप अभी सोच रही है बुरा बुरी कब मरे, इसका सारे संपत्ति का मालिक हम बने। एक दिन दोनों पति पत्नी ने दुखी होकर के बुढ़ा बुढ़ी बच्चे को बहू को बुलाया, बोले देखो मैंने कभी अच्छा खाया भी नहीं, अच्छा पहना भी नहीं, मैं केवल तुम लोग ही ये पैसा को मैंने जोड़ा है, लेकिन मैं देखता हूँ तुम लोग बड़े बड़ा अनादर करते हो, हमें ठीक से जतन नहीं करते हो, खाना पीना भी नहीं देखते हो ठीक से, कपड़ा लता भी नहीं देखते, बड़े अनादर करते हो। देखो जो बच्चा हमारी अच्छे तरह से सेवा करेगा ना हम ये पैसा उनको ही देंगे। जब बोले इतना शुरू करके उनके तीन बच्चे थे, एकदम सही घटना है, तीनों बच्चे चले गए, तीनों बच्चे बैठ करके मीटिंग की, पता नहीं पिताजी किसको कितना पैसा देंगे नहीं देंगे, एक काम करो ये पिता माता को तीर्थ यात्रा में इनको बोल दो आप तीर्थ यात्रा करने के लिए चले जाए, और उनको भेज करके इनकी घर को तोड़ करके ये सारे संपत्ति इनके रूम में ही, और सारे संपत्ति का हम छीन लेंगे। पिता माता को बोले पिता माता जी आप कभी तीर्थ यात्रा में नहीं गए, क्यों नहीं गए? बोले पैसा खर्चा होगा। बोले आप दोनों के लिए हम तीर्थ यात्रा के लिए व्यवस्था कर देते हैं और साथ में एक व्यक्ति दे देते हैं जो कि आप रोसी बनाकर खाना खिलाएगा, एक गाड़ी व्यवस्था कर देते हैं। अब इसको सुनकर के पिता माता बड़े प्रसन्न हो गए। बोले उसी दिन हम बच्चों को थोड़ा शासन किया ना इसलिए बच्चों का मन सुधर गया,
बोले नहीं, हम क्या इतने असमर्थ गाड़ी की जरूरत है, देखो कितना कृपण होगा, हम स्वयं पति-पत्नी चलते चलते सारे तीर्थ में चले जाएंगे। बोले ठीक है, दोनों पति पत्नी तीर्थ में दोनों चले गए। जब चले गए जा करके दूसरे दिन दूसरे गांव में रुके, जब रुके इतने में बच्चों ने घर का ताला तोड़े, तोड़ करके जितने उनकी संपत्ति था तीनों बच्चों ने सारे संपत्ति को आपस आपस में बांट लिया। एक व्यक्ति उसी गांव से दूसरे गांव गया, जाकर के बोले आप तो तीर्थ यात्रा में आ गए हो, आपका बच्चों ने आपका घर को तोड़ करके जितने आपने रुपया पैसा रखा था सारे रुपया पैसा को उन लोगों ने छीन लिया और आपस में बांट लिया है। अभी सुन करके जितने के घर उन्होंने जो पैसा को उन्होंने एकत्रित किया है, हम तो बड़े दुखी हो गए, रोने लगे। उनको साथ में एक माता जी थी, वो थोड़ी भक्ति करने वाले, बोले देखो तुम दोनों जिंदगी भर के पैसा को, और दोनों थे बढ़िया स्वर्णकार थे, हैं ये स्वर्णकार थे, बोले जिंदगी भर आपने ये पैसा को ऐसे किया, आपने कभी अच्छे कर्म में नहीं लगाया, इसलिए पैसा आपको सब बीत गई, अभी घर में वापस मत जाओ, अभी तीर्थ में जाओ, तीर्थ यात्रा करते करते जीवन बिता दो। फिर कुछ दिन बाद फिर मन बदल गया, नहीं जो कुछ हो बच्चे हैं घर में जाने पर आदर करेंगे, तुम जाने के लिए इच्छा थी, फिर उनको साथ में जो बैठना भी थी, बोले खबरदार अभी जाना, बच्चे तुमको जान बुझ कर मार भी सकते हैं, क्योंकि सबके सब पैसा उन लोगों ने छीन लिया, अभी धाम में निवास करो, छोटी मोटी कोई काम करो, उसमें जो थोड़ी सी लाभ होगा उसको किसी साधु संतों की सेवा, ठाकुर जी की सेवा में लगाओ, धीरे धीरे तुम्हारी संस्कार बनेगी, और यहाँ पर संतों का कुछ निवास है, जा करके कथा सुना और भगवान की भजन कर। फिर भगवान की भजन करते हुए उन्होंने अपना जीवन को बिताया। इसलिए नियम है ये आत्मा देव के पास में सब कुछ था, पैसा अथा संपत्ति, लेकिन घर में शांति सुख नहीं। बोले क्यों? बोले पैसा जो वो लक्ष्मी है वो लक्ष्मी ठाकुर जी की है, अगर कोई उसको अच्छे कर्म में नहीं लगाएंगे भले ही पैसा आएगी घर में शांति सुख कभी घर में दे ही नहीं सकती। इतने में एक दिन बड़े दुखी होकर के उसने वो गया, कहाँ पर गया? आत्महत्या करने के लिए। जब भगवान किसी जीव को ऊपर में कृपा करते हैं वो दो रूप में कृपा करते हैं, एक संत रूप में नहीं तो किसी ब्राह्मण रूप में। मानो भगवान स्वयं संत रूप में पधारे ठाकुर जी, बोले बेटा क्यों रो रहे हो जंगल में? बोले घर में सारे सुख है लेकिन घर में कोई संतान नहीं। बोले बेटा तुमने सगर महाराज का नाम सुना हो? बोले हाँ। बोले कितने संतान थे? बोले 10,000। बोले उनको शांति मिली है? बोले चित्रकेतु महाराज का नाम सुने? बोले हाँ। बोले कितने पत्नियां थी? घर में संतान नहीं। वो शादी करते करते एक को बाद में 1 करोड़ उन्होंने शादी की थी, किसी तरह से कोई संतान हुआ तो फिर उनको जो पत्नियां थी, जिस पत्नी की गर्भ से संतान हुई राजा उसको ज्यादा प्रेम की, फिर दूसरे पत्नियां उनको जहर पिलाकर मार देती, राजा बाद में बड़े दुखी होते हैं। फिर नारद जी आकर के भक्ति की उपदेश देते हैं, उनको मुक्ति दिलाती है। बोले बेटा हाँ देखो, अगर संतान नहीं है क्या करो, भगवान को अपना बेटा मानो, घर में गोपाल जी को रखो, गोपाल जी की सेवा पूजा करो, गोपाल जी को ही बेटा रूप में उनको पिलाओ, उनकी पिलाओ। देखना देखो अब मुझे सही घटना बोलता हूँ, वृंदावन में ऐसे कोई माता जी थी, जिंदगी भर उसने गोपाल जी की सेवा करते करते बिताई, लेकिन जो वो वृद्धा हो गई अभी उनकी सेवा कौन करेगा? ये कृष्ण स्वयं करते थे, उनके लिए रसोई बनाना, घर साफ करना, मार्केटिंग करना, स्वयं कृष्ण जी की सेवा थी। इसलिए अगर बेटा बच्चे नहीं है, भगवान वही अपना बेटा मान करके उनकी सेवा करते रहो, जब वृद्ध हो जाओगे आपको श्री ठाकुर जी स्वयं आपकी सेवा करेंगे। उनने समझाए लेकिन वो समझा नहीं। बोले बेटा मैं तो देख रहा हूँ तेरे ललाट में लिखा हुआ है तेरा 7 जन्म तक भी कोई बच्चे होने वाले नहीं। और बड़ा दुखी हो गया। बोले एक जीवन में बच्चा नहीं, इतना दुखी आप कह रहे हो 7 जन्म तक तो पता नहीं है तो उनका चरण में गिर पड़ा। बोले जो ना करे लकड़ी सो करे फकरी, लकड़ी होता है भाग्य,
जो तुम्हारी भाग्य में नहीं फकीरी होता है संत, अगर सचमुच से कोई साधु हो, अगर आपको आशीर्वाद दे देना भगवान, तो भी अपना प्रतिज्ञा को तोड़ करके संतों का प्रतिज्ञा को ठाकुर जी रक्षा करते हैं। बोले आप कृपा करके हमें एक संतान दो, हमें एक संतान दो। संत ने एक फल लेकर के मंत्र पढ़ करके दे दिया। बोले बेटा पत्नी को खिलाना और पत्नी को बोलना, जब गर्भ में बच्चा रहे ना, गीता पढ़े, भागवत पढ़े, रामायण पढ़े। हाँ देखो जी, पहले माता है, ध्यान देकर सुनो। पहला संस्कार गर्भ संस्कार है। पहला संस्कार बच्चे को बोले गर्भ संस्कार का मतलब होता है, जब गर्भ में बच्चे रहे, अगर गीता भागवत रामायण पढ़ोगे ना सुनोगे, वो बच्चा इतने संस्कार बन करके आएगा, इतने बड़े महापुरुष होगा और जिंदगी भर पिता माता की सेवा करेगा। अगर गर्भ में बच्चा रहते हुए भक्ति की, गीता भागवत पढ़ो, आप लोग महाभारत सुने होंगे, रामायण सुने होंगे, जिस समय माता सीता की गर्भ में लव कुश थे, एक दिन भगवान राम सारे संतों निमंत्रण देते, बोले आज हमारे घर में सत्संग कीर्तन होगी। बोले सीते पता है आज हमने ये संतों को क्यों बुलाया? क्यों? बोले तुम्हारी गर्भ में संतान है, अगर इसी समय तू कथा सुनोगे, संतों की मुंह से बाहरी सुनोगे, बच्चे संस्कार बन करके आएंगे। देखा लव कुश कैसे होगी, अब देखे होंगे पूरा राम कथा राम कुंड ने सुनाया, क्या बलवान थे भारत शत्रुघ्न, इनको भी उन्होंने धराशायी कर दिया। इसलिए पहला संस्कार गर्भ संस्कार, और गर्भ में बच्चे रहते समय कभी भी उल्टा पुल्टा फिल्म मत देखा कर, गंदी गंदी फिल्म मत देखा कर। क्यों? वो बच्चे के ऊपर में बड़ा बुरा संस्कार पड़ता है। इसलिए पहले पहले देख लो, पहले पहले बच्चे कैसे होते थे, पिता माता की सेवा करते थे, चरण छूते थे, अभी कोई बात नहीं सुनते हैं। हम जहाँ जाते हैं सब कहते हैं हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, क्योंकि हमने उनको कोई अच्छे संस्कार नहीं दिए। इसलिए ये गर्भ संस्कार, वो संत कह रहे हैं गीता भागवत पढ़ना, वो बड़ा सुखी होकर के आया, हमारा लाला होगा। पत्नी को उन्होंने फल दिया, लेकिन उसका नाम ही धुंधुली। धुंधुली मतलब क्या है? अंधकार, अज्ञान। वो कहाँ संतों का फल को स्वीकार कर सकती है? उसकी एक सहेली थी, बोले पता नहीं किसने इनको बहकाया, ये फल खाने पर बच्चा होगा। ये पुरुषों को क्या पता है, गर्भ में बच्चा हो तो कितने माताओं को कष्ट होता है, फिर कोई चोर आ गया तो भाग नहीं पाऊंगी, प्रसव पीड़ा, फिर रात भर बच्चा रोएगा, सोने नहीं देगा, फिर लालन पालन करने में कष्ट है। बोले चिंता मत करो, तेरे पति को पास में ज्यादा पैसा है और मेरे पति को पास में पैसा नहीं, एक काम करो मेरे पति को कुछ पैसा दे दो, और पेट में कपड़ा बांध करके तुम बहाना बना करके सोते रहो, और ये फल को गैया को खिला दो, मेरे घर में बच्चा होगा ना, फिर तो बच्चों में दे जाओगी। उसने एकदम बेइज्जत कर दिया। जब बेइज्जत किया, अभी वो गैया बच्चा जन्म नहीं देता था, लेकिन वो गैया भी एक सुंदर बच्चा जन्म दिया। क्यों? वो संतों का दिया हुआ फल है, वो कभी बर्बाद नहीं जाएगा। दुनिया देखने के लिए आए, ठाकुर जी जब देते नहीं, जब ठाकुर जी देते हैं, छप्पर फाड़ करके ठाकुर जी देते हैं, सारा दुनिया देखने के लिए आए। इसके घर में ये गैया भी एक बालक को जन्म दिया। देखो ठाकुर कैसे छप्पर फाड़ कर देते हैं, इसको समझ लो। पहले एक समय दो पति पत्नी रहते थे, दोनों बड़ी भजन करने वाले। एक दिन पति शौच क्रिया में गया, शौच क्रिया के बाद में जब मिट्टी लेकर के हाथ साफ करने के लिए गया, वो जहां से मिट्टी हटाया, देखा वहां पर ढक्कन है, वो ढक्कन को खोला, देखा एक सुंदर कलसी है जिसके अंदर में सोना चांदी हीरे जवाहरातों से भरा पड़ा हुआ है। वो बड़े संत था, बोले राम 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 राम, सवेरे सवेरे माया के दर्शन हो गए, छोड़ करके आ गया और पत्नी को बोला ऐसे ऐसे। लेकिन उसी दिन उसी घर को पीछे कुछ चोर लोग चोरी करने के लिए आए थे, उन लोगों ने सुन लिया, बोले भैया तो बड़ा बेवकूफ है, उसने सोने की कलसी पड़ के आ गया, अच्छा हुआ
हमने सुन लिया, चलो हम उठा करके ले आते हैं। लेकिन वो जब उठाने के लिए गए ना, उसको ढक्कन को खोले तो देखा उसके अंदर में जहरीले सर्प हैं, बिच्छू ततैया से भरा पड़ा हुआ। बोले अरे ये साधु तो बड़ा दुष्ट है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद, 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 जय जय। अभी वो चोर लोगों ने बोले ये तो हमें मरवाने के लिए बात बताया, बोले चलो इसको लेकर इसको घर में फेंक कर जाते हैं, वो ही मरे। और वो कलसी को उठा कर ले आए, छत के ऊपर में चढ़े और करत से उसको काटे, काट करके उसको ऊपर से गिराया। उसमें क्या था, हीरे जवाहरातों से भरा पड़ा था। लेकिन जब वो कलसी को गिराया ना, वो कलसी टूट गया और हीरे जवाहरातों से घर एकदम भर गया। बोले भैया ठाकुर जब देते नहीं, देते नहीं, ठाकुर जी जब देते हैं छपर फाड़ करके ठाकुर जी देते हैं। बोले हमने तो देखो ठाकुर जी भिक्षा से आ गया, कोई बात नहीं, रोज रोज भंडारा करो, ठाकुर जी को भोग लगाओ और सबको प्रसाद खिलाओ, सबको ठाकुर जी की सबको प्रसाद खिलाओ। इसलिए सारा दुनिया देखने के लिए आए। अभी गैया ने जो बच्चा दिया, कान केवल गैया जैसे शरीर, पूरा सुंदर इंसान जैसे, दोनों बच्चे जब धीरे धीरे बड़े हुए, बोले गोकर्ण पंडित ज्ञानी और धुंधुकारी महाकर, धुंधुकार तो महादुष्ट बना, लेकिन संतों को दिया हुआ फल वो बना भिखवान। अभी धुंधुकारी रोज रोज पिताजी को बोले पैसा दो, शराब पीऊंगा, मांस खाऊंगा, जुआ खेलूंगा, पिताजी को रोज गाली, और किसी बच्चे को मार डाले, किसी घर में आग लगा दे, किसी घर में चोरी करे, किसी बच्चे को कुएं में धक्का मार कर गिरा दे, शाम होते ही 10-20 शिकायत, तेरा बेटा ऐसे कर दिया, तेरा बेटा ऐसे कर दिया। अभी आत्मदेव को ज्ञान आया, अरे संत समझा रहे थे बेटा, संतान से सुखी नहीं, सुखी हो गए तो भगवान की भजन से बनोगे। देखो और एक चीज समझो, कभी कभी हम सोचते हैं ना, जब हम वृद्ध हो जाएंगे बच्चे हमारी सेवा करेंगे, कभी ऐसी भावना मत रखो। ये भाव रखो, चलते फिरते जैसे शरीर छूट जाए, किसी की जैसे सेवा हमें ग्रहण करना नहीं पड़े, ये भावना रखो, भगवान की भक्ति करो। शास्त्र कहता है अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम अनाराधित गोविंद शरणम कथम भवे। जो व्यक्ति निष्कपट होकर के प्रभु की भजन करते हैं, वो चलते फिरते प्राण अपने आप चला जाएगा, किसकी सेवा लेने हमें जरूरत नहीं है। अभी किसने पिताजी को सताया, उसने दुखी होकर के गोकर्ण के पास में आया, गोकर्ण ने बड़ी सुंदर सुंदर ज्ञान की। बोले पिताजी नस सुखम नास्ती ना सुखम चक्रवर्ती, न पृथ्वी का राजा भी सुखी नहीं, स्वर्ग का इंद्र भी सुखी नहीं। पिताजी सुखी तो वही है जो भगवान की भजन करते हैं। पिताजी ये आसक्त भी छोड़ करके जाओ वृंदावन में, संतों की शरण में जाकर के प्रभु की भजन करते हुए जीवन को मार्ग पथ पर ले जाओ। उन्होंने संसार छोड़कर गए, प्रभु की भक्ति करते हुए जीवन को बिताया। लेकिन घर में रह गई मैया, बेटा और मैया, उसने जैसे बेटा बुला दिया, कोई बोले साड़ी दो, कोई बोले गहना दो। एक दिन राज दरबार में डाकू डाल करके बहुत पैसा को उसने छीन करके लाया। अभी बेचारों ने देखा सगरे होते ही सियाहत लग जाएंगे, अगर पकड़ा गया ना सबके सब जेल जाएंगे। एक काम करो, उसका रात राती इसको मार डालो, बड़े बुरी तरह से उसको मारे। मैंने रस्सी बांध करके दो दो हाथ को दो दो पैर को
और चलते हुए अंधार मुंह में ठोस ठोस में मार डाली और गड्ढा खोद करके गार भी और चली गई। अभी वो बन गया प्रताप। कुछ दिन बाद में जब गोकर्ण आया, भैया तो भूत बन करके बैठा हुआ, कभी घोड़ा बन करके कभी हाथी बन करके डरा। बोले तू कौन हो? बोले तुम्हारी भैया में भूतकारी हूँ। बोले तेरे नाम पर गया में पिंडगी, तेरे को मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड तो मेरे को मुक्ति नहीं मिली। फिर दूसरे दिन मैंने सूर्य देवता को प्रश्न की, बोले इनको भागवत कथा सुनाओ, भागवत से ही मुक्ति मिलेगी। उन्होंने 7 दांत की बांस गाड़ दिए, पहला दिन पहला गांठ, दूसरे दिन दूसरे गांठ, ऐसे ही 7 दिन में 7 गांठ कट गई। वैकुंठ से रथ आया बड़ा सुंदर, भगवान की भक्त बन करके जब रथ में बैठी करके जा रहा था, गोकर्ण प्रश्न करता है, बोले आरो कृपा करके बताओ विष्णु दूतों को, यहाँ पर तो कथा सुन रहे बहुत सारी भक्त, अब एक ही रथ क्यों नहीं लाए, ये सभी के लिए क्यों रथ नहीं लाए? देखो ध्यान से सुना, वो बड़ी अच्छी बात बताते, कथा सुनने पर ही ये कथा की फल हमें क्यों नहीं मिलती। पहला दोष क्या है? बोले विश्वास गुरु बात के सो स्वस्मी तो भावन। बोले पहला जो दोष है विश्वास, ये सबसे पहला मूल वस्तु है। ये भागवत गीता रामायण अगर विश्वास नहीं हो, अगर बोले अरे ये पंडित लोग तो पेट पालने के लिए ये झूठ मूठा सब कहानी बना दिया, किसने ये भूत पिशाच को देखा, अगर ऐसे भावना आ जाए ना, फिर तो ये कथा फल देने वाले नहीं। पहला नंबर है विश्वास रखो, ये भागवत पुराण गीता में जो लिखा है ये साक्षात भगवान की मुख निश्रित ये वाणी है, पहले इसको विश्वास रखो। बोले कैसे विश्वास रखनी चाहिए? देखो हमारे गुरु जी कहते थे, बोले कोई एक शिष्य था रोज नदी पार करके गुरु जी के आश्रम में सेवा करके जाता था और रोज वापस चल जाता था। एक दिन जन्माष्टमी आ गया, रात 12 बजे ठाकुर जी अभिषेक हुई, फिर सबको खिला पिला करके अभी वापस जाएगा। बोले गुरु जी मेरे को घर में जाना पड़ेगा। बोले क्यों? एक रात आश्रम में रुक लो, सबर चले जाना। बोले नहीं गुरु जी, अगर मैं घर में जाऊंगा ना फिर आपको याद करूंगा, कल गुरु जी को आश्रम में जाना, ठाकुर जी की सेवा करना, अगर यहाँ पर रहूंगा फिर तो मैं बीवी बच्चों को याद करूंगा, मेरे बीवी कैसे बच्चे कैसे। गुरु जी बताओ क्या सही है? बोले बात तो सही बता रही हो। बोले ठीक है तू चले जा। बोले गुरु जी जाऊँ कैसे? बीच में एक नदी आती है, वो नदी को कैसे पार करूंगा? वो केवड़ तो सो गया। गुरु जी बोले मैं तेरे को एक मंत्र लिख करके देता हूँ, और ये मंत्र को अच्छे तरह से हाथ में विश्वास करके पकड़ना, और तू पानी को ऊपर में चलते 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 चल जाओगे। बोले कैसे मंत्र? बोले हाँ गुरु जी मंत्र लिख करके दे दिए। सचमुच से देखा वो पानी को ऊपर में चलते 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 जा रहा है। बोले भैया गुरु जी क्या मंत्र लिखे जो मैं पानी को ऊपर में चलते चलते जा रहा हूँ? कई कई पानी हो गया, उसकी मन में बड़ा कुतूहल आया, गुरु जी ने इसमें लिखा क्या है? थोड़ा खोल करके देखो, कितने में वो जो कागज था खोला, अब उसमें लिखा हुआ था ठाकुर जी के नाम। सबके सब एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। और एक बार जोर तक बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। जब देखा वो पेपर के ऊपर में कि हरे कृष्णा महामंत्र लिखा हुआ था, बोले केवल इतना ही हरे कृष्णा, और इसको पकड़ा तो नदी पार हो रहा हूँ, उसको मन में विश्वास था इसलिए पानी को ऊपर चल रहा था, लेकिन जब भगवान का नाम को देखा ना विश्वास कम हो गया। बोले इतना केवल हरे कृष्णा बस, मैं तो उसमें डूब गया, पानी को उसमें डूब गया। मतलब है भगवान की जो नाम है ना, हरि से बड़ा
हरि का नाम पहले ही विश्वास सबसे पहले, इसलिए विष्णु जी तो कहते हैं यहाँ पर तो लोग देखने के लिए बहुत बैठे हैं लेकिन किसने विश्वास पूर्वक कथा नहीं चल। दूसरी बात क्या बोले स्वस्मिन दिनत्व भावना दीनहीन भाव आना चाहिए, सबसे मैं छोटा हूँ और हमसे ये सबके सब बड़े हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्ति करने के लिए चार गुण होने चाहिए। बोले पहला गुण क्या है, बोले तीना कपिशुनि तेरा नाम मान देना कीर्तनीय सजावरी। पहला गुण है घास से भी ज्यादा दीन मन और पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होनी चाहिए। पेड़ पे अब रास्ता में जा रहे हो आम का वृक्ष आम है उठाया पत्थर और मारे, लेकिन आप तो वृक्ष को मारा लेकिन वृक्ष ने क्या दिया आपने जो फल दे दिया। और ये नहीं कहता है तुमने मेरे को मारा तेरे को मैं छाया नहीं दूंगा, फिर उसकी छाया को नीचे हम बैठ गए। इसलिए क्या करो पेड़ से भी ज्यादा सहन शक्ति जो सहे वो रहे और वो जो ना सहे वो ना सहे, इसलिए हमें सहन शक्ति सीखनी चाहिए। और सब जीवों को आदर दो, सभी को भगवान की संतान मान करके अगर किसकी भलाई नहीं कर सकता हूँ कभी किसकी कभी बुराई कभी मत करो। क्यों जगत में जितने जीव है वो सबके सब ठाकुर जी की संतान है, सबके सब भगवान की संतान मान करके सभी का सम्मान दो। बल अगर ऐसे अगर कथा सुनी एक मन से ध्यान पूर्वक नियमित पूर्वक अगर कथा सुनेगा तो तभी सभी के लिए रथ आएगा। बोकर ने कहा तुम लोगों ने सुन लिया हम लोग 7 दिन तक कथा सुने लेकिन हमारे लिए विमान रथ नहीं आया, देखो कल से फिर मैं 2 बार कथा सुनाऊंगा। और सबके सब कथा से पहले आना और कथा से बाद में जाना, और एक मन से अगर हम 7 दिन कथा सुन लिया ना हमारी ही मुक्ति हो जाएगी। ये जन्म मृत्यु का चक्कर से हम भी मुक्त होकर के ठाकुर के पास चले जाएंगे। फिर दूसरे दिन से कथा की सारे लोग अपना टाइम पर आए और उन्होंने जब कथा समाप्त हुई जितने लोग बैठे हुए थे सभी के लिए वैकुंठ से रथ आया, सबके सब रथ में बैठे और सबके सब ठाकुर जी को पास में चले गए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय, जय श्री राधे। देखो और 2-4 मिनट लिखा ठीक है अभी कथा कौन और 2-4 मिनट सुनो। कथा कैसे सुननी चाहिए कहते ये पद्म पुराण की कथा है स्कंद पुराण की। बोले श्रोता 2 तरह के ध्यान देख रहे सुने, कल मैं सबको पूछूंगा देखूंगा कौन मेरे को बोल पाता है। कहते श्रोता 2 तरह के हैं, कितने तरह के हैं, पहला नंबर जो श्रोता जो श्रेष्ठ है और जो एक है साधारण कनिष्ठ श्रोता। कहते जो श्रेष्ठ श्रोता है तो वो 4 ही तरह के हैं, कितने तरह के हैं, 4। पहला नंबर है हंस, हंस की एक विशेषत्व है अगर आप उसको दूध दो ना वो दूध दूध को पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देता है। मतलब है श्रेष्ठ श्रोता हुए हैं जो जीवन में सार सार को लो और असार को प्यार है। दूसरा नंबर है मछली, आप लोग मछली देखे होंगे ये मछली का आंखों का जो पलक है ना वो कभी नहीं झपती है, वो एकदम आंख खोल करके हंस में रखती है। और जो अच्छे श्रोता है वो टकटक लगा करके एक मन से जो कथा सुनते हैं। मछली कथा कैसे सुननी चाहिए, मछली जैसे सुननी चाहिए आंख खोल करके एक मन से। दूसरा नंबर है चातक, ये एक चिड़िया है इसकी एक विशेषत्व है वो किसी नदी का पानी पीता नहीं किसी कुएं का पानी किसी तालाब का पानी नहीं पिएगा, वो तभी पानी पिएगा जो बारिश हो स्वादी नक्षत्र का पानी। इसलिए वो चिड़िया हर समय बोलता है प्यासा हम प्यासा हम प्यासा हम मेरे प्यास यू पानी 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 चुपचाप करता रहता है। कथा कैसे सुननी चाहिए बोले चातक जैसे, बोले चातक मतलब पिएंगे तो केवल स्वादी नक्षत्र का पानी, मतलब कथा सुनेंगे तो ठाकुर जी की ही कथा सुनेंगे, दुनियादारी इधर उधर की बात हम नहीं सुनेंगे चातक जैसे। चौथा नंबर है मधुमक्खी,
आप मधुमक्खी देखे होंगे, भले ही किसी कांटा वृक्ष में कोई फूल भी नहीं हो, लेकिन वहां भी बैठी करके फूल में वहां से भी सहज लेंगे और बड़ा सुंदर एक छता बना देती है। कथा कैसे सुननी चाहिए, मधुमक्खी जैसे सार सार को अपना जीवन में उतारनी चाहिए। बल्कि चार तरह का कनिष्ठ श्रोता है। पहला हरे कृष्ण, पहला नंबर है भुरुण। ये पक्षी रहता है, ये कैलाश में पर्वत में ये पक्षी रहता है। ये पक्षी की एक स्वभाव है, आप इसको जैसे सुनाना वो ठीक आप वैसे ही सुना देगा, सोने में लगा सुना नहीं देगा, लेकिन वो करते समय पूरा के पूरा उल्टा करेगा। जीवन में एक अक्षर को उतारता नहीं, सुनेगा सुनाएगा लेकिन अपना जीवन में उतारता नहीं। दूसरा नाम है ऊंट। ऊंट देखे होंगे, अब ऊंट को कोई कोमल कोमल आम का पत्ता बढ़िया बढ़िया कोई चीज वो खाएगा नहीं, और ढूंढेगा बबुल का वृक्ष जिसमें कांटा कांटा हो। मतलब है जो व्यक्ति भगवान की रसीली कथा नहीं सुन करके इधर उधर की कहीं भी उल्टा पुल्टा उसकी निंदा उसकी चुगली हो वहीं पर बैठ करके वही कथा सुनते रहेगा, लेकिन कहीं ठाकुर जी की कथा हो उसको नहीं सुनता है। तीसरा नंबर है बेर। आप बेर को सुंदर सुंदर चीकू खेले सुंदर सुंदर खिलाओ, उसको भूसा खिलाओ, वो दोनों में कोई फर्क नहीं मानता है, दोनों को जो बराबर मानता है। मतलब ठाकुर की कथा हो नहीं तो किसी की चुगली हो दुनियादारी कथा हो वो कोई भी कथा हो जिसमें बैठ जाए, बोले तो नहीं ऐसे नहीं करनी चाहिए। और जो चौथा नंबर बताया कहते ये भेड़िया। ये भेड़िया एक छोटा जाति का एक होता है बाघ। वो किसी हिरण को तभी आक्रमण करेगा, हिरण अगर कोई सुलील शब्द को सुने वो कान खड़ा कर देता है, कान खड़े करके कथा सुनता ये सुनता है, उसी समय भेड़िया आक्रमण करेगा। मतलब ये है अगर कोई कथा सुन रहा है एक मन से, भेड़िया जैसे नहीं होनी चाहिए। भेड़िया मतलब है जो कथा सुने नहीं और जो पास में जो बैठने वाले व्यक्ति को सुनने भी नहीं दे, बिना कारण से बात करते रहेगा, तेरे घर में आज क्या बना था, उसकी बेटी ने ऐसी की उसकी बहू ने ऐसी, सारा दुनिया की उल्टा पुलटा भेड़िया जैसे कहते नहीं ऐसे नहीं कथा ठीक से सुननी चाहिए। कभी जो भागवत कथा चार ही तरह का है, सात्विक राजसी निर्गुण और तामसी। सात्विक की कथा किसको कहते हैं, जैसे एक महीना हो दो महीना हो कथा तो सुने लेकिन उसको बाद में कोई मतलब नहीं। राजसी की कथा किसको कहते हैं, बड़ी ठार बार से कथा को आयोजन की, सबके सब कथा सुनने के लिए आओ, भागवत कथा होगी, सबको निमंत्रण की, लेकिन कभी कभी कथा में बिजी, कौन कहाँ रहे का क्या खाए क्या क्या नहीं कर रहे, बस उसी में ही बिजी रह गए, लेकिन मूल जो वस्तु कथा सुनना वो कथा ही नहीं सुनना, इसको कहते हैं राजसी कथा। और तामसी कथा जैसे सात दिन तक कथा होगी, कभी इच्छा हुई बैठ गए मन नहीं लगा भी चलो एक चक्कर लगा देता है, नहीं तो कथा में कभी आधा में आ रहे, नहीं तो जब समाप्ति होती जा रहे तभी आ गए, मन और बेमन में किसी तरह से शांति का फसला नहीं लगा, इसको कहते हैं तामसी कथा। कथा ऐसे नहीं होनी चाहिए, कथा कैसे होनी चाहिए, निर्गुण। निर्गुण मतलब क्या है, बोले सदा सेव्यम सदा सेव्यम श्रीमती भागवती वार्ता। मतलब है जो घर में नियम करके रोज रोज एक श्लोक हो नहीं तो दो श्लोक हो नहीं तो एक अध्याय हो, रोज रोज घर में गीता हो नहीं तो रामायण हो भागवत हो, रोज रोज अपना घर में कुछ ना कुछ भक्ति ग्रंथ में पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। देखो भक्ति ग्रंथ अगर आप पढ़ोगे उसके अंदर में ज्ञान की बात बड़ी अच्छी अच्छी बात, ये चीज को बच्चे भी देख करके धीरे धीरे उनको संस्कार भी आएगा। पिताजी कथा पढ़ रहे हैं भागवत पढ़ रहे, भैया कथा भागवत पढ़ रहे हैं, बच्चे भी बैठेंगे बच्चे भी सुनेंगे, उनके अंदर में अच्छे संस्कार आएंगे। आप देखना अगर आप गीता रामायण पढ़ो भागवत पढ़ो, बच्चे अगर इसको सुनेंगे वो बच्चा कितने संस्कारी बनेगा, पिता माता को 100% पिता माता की सेवा करेगा, उनको इज्जत देगा, उनकी बात सुनेगा वो बच्चा, क्यों उसको बारे में अच्छी संस्कार उसको ऊपर पड़ेगी। इसलिए देखो ये लोग विदेशी लोग होकर के
अगर ये विदेशी लोग होकर के अगर हमारी गीता रामायण भागवत पढ़ते हैं फिर तो हमारी ग्रंथ ही ये गीता भागवत रामायण है। इसलिए जरूर आप लोग गीता भागवत पढ़ना। देखो आप मुझे सच घटना करता हूँ, ये गीता में कितना सत्य। एक समय अमेरिका में, ये अमेरिका की बात है, ये समय गीता जयंती आई, आप इस्कॉन का नाम सुने होंगे। उसी समय अमेरिका में इस्कॉन के कुछ भक्त लोग गीता जयंती ना, गीता जयंती में गीता वितरण कर रहे थे, बेच रहे थे। एक व्यक्ति प्लेन से उतरा, उसने बोले भैया गीता लो, थोड़ी देर रुक गीता लो। देखा 10 आदमी इसे खड़े हुए, उसने सोचा भैया तो पूरा 10 व्यक्ति खड़े हुए, एक दो तीन डॉलर देकर एक गीता ले लेता हूँ। उसने एक गीता खरीद कर लिया। देखो कितना महत्व गीता क्या करता है। उसने अपना ड्रम रख लिया, बेकार उसको पढ़ कर क्या होगा। एक दिन वो इतने डिप्रेशन में आ गया, इतने डिप्रेशन में आ गया, सोचा मैं आज आत्महत्या करूंगा। वो आत्महत्या करने के लिए घर में बैठा हुआ, अभी मैं आत्महत्या करूंगा। इतने में उसका जो बंधु जिस ड्रम में था उसी ड्रम ही भगवत गीता था। इतने में वो ड्रम को खोला, जब उसने बंदूक को लेकर के शूट करने के लिए जा रहा था, उसको हाथ में कोई बंदूक नहीं आ गया कि भगवत गीता आ गई। देखो कितना महत्व है। बोले गीता वो तो मरने जा रहा है, बोला बोले एक बार हमने खर्च किया था उसको, जो श्लोक उसने जो पढ़ा को खोला हटा, उसको आंख में एक श्लोक आया। वो श्लोक कहता है बोले बांसा से जीर्णानि यथा गिलाय नवानि गृह्णानि नरोपरानि तथा शरीराणि विहाय नवानि। इस श्लोक था, इसका मतलब है कि जो आत्मा है ये न जायते न म्रियते अजो नित्य शाश्वत ही आत्मा है। ये आत्मा कौन है? ये परमात्मा की अंश है। कभी ये शरीर क्या है, कभी एक कपड़ा है। जैसे एक कपड़ा पुराना हो जाने पर हम वो पुराने कपड़ा को छोड़ करके नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह ये आत्मा एक शरीर जब पुराना हो जाए इसको छोड़ करके नया शरीर में प्रवेश करता है। अगर जीव को अगर परम शांति पाना चाहता है क्या करनी चाहिए? कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन बोले तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात् पराम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। कृष्ण कहते हैं अर्जुन अगर जीवन में तू परम शांति पाना चाहते हो, जब तक जीव मेरे शरण में नहीं आए तब तक उसको कभी पूर्ण शांति पूर्ण आनंद नहीं मिलता है। वहां पर एक सुंदर उदाहरण देकर समझाया, उदाहरण दिया जैसे एक पिंजरा है। आप लोग भी ठीक से समझो, जैसे पिंजरा है लेकिन उसके अंदर में एक तोता है। अगर हम पिंजरा को अगर दिन भर रंग करते रहेंगे, कलर करते रहेंगे, अंदर में तोते को अगर भोजन नहीं दोगे फिर तोता जिंदा रहेगा कि नहीं? वो तोता मर जाएगा। हम ठीक वही काम कर रहे हैं। जो पिंजरा को अंदर में जो तोता बैठा हुआ है ना, कुकोन है परमात्मा, उसको तो भोजन नहीं देते। वो पिंजरा को जैसे कलर करना है ना, मतलब ये शरीर को ब्यूटी पार्लर में ले जाओ, उसको सजाओ, चबन प्राश खाओ, जिम में ले जाओ, ये शरीर को ही हम पैसे करने में लगे। लेकिन अंदर में जो तोता बैठा हुआ परमात्मा रूप में उसको हम ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए ये शरीर का सुख से कभी हम सुखी हो ही नहीं सकते हैं जब तक वो आत्मा को हम नहीं पहचाने। वो व्यक्ति सुइसाइड क्या करेगा? वो सुइसाइड क्या करेगा जाने जा रहा था। वो रात भर वो भगवत गीता को पढ़ा और उसको इतने ज्ञान उसकी प्राप्ति हुई। उसने देखा भैया गीता है कहाँ से, वो इस्कॉन का एड्रेस था। फिर वो व्यक्ति ढूंढते ढूंढते इस्कॉन में पहुंचा, वो संतों से मिला, फिर उनसे उन्होंने डिस्कशन की, फिर उन्होंने आत्म तत्व को ऊपर बताया। आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, जीव संसार में क्यों आया, अगर जीव को परम शांति मिलेगा कैसे। वो व्यक्ति घर द्वार छोड़कर जैसे ये संत बने ना, देखो जैसे वो संत बने, लाल कपड़ा लिया उसने, जैसे लाल कपड़ा लिया और उसने संन्यास, हमारे जैसे संन्यास लिया, अभी वो व्यक्ति जीवित है। संपूर्ण पृथ्वी में वो व्यक्ति ये गीता के धर्मों को पृथ्वी में प्रचार कर रहा है। देखो अगर एक भगवत गीता एक क्रिश्चियन को हाथ में पड़ गया तो उसका जीवन उसने बदला दिया। ये ग्रंथ हमारी ऐसे तिब्बत रखते हैं। इसलिए आप लोग से प्रार्थना है, जब बच्चे को हम स्मार्टफोन दिला सकते हैं, 10-10, 20-20 हजार का स्मार्टफोन दिला सकते हैं, बच्चों को ये बताओ कि एक श्लोक पर घंटा का
और सवेरे बोलो कम से कम एक माला जप करो, ठीक है? उसको बोलो एक माला जप करो और भगवान का खाना प्रसाद पाओ, स्कूल में जाओ। क्यों? देखना बच्चा अगर एक माला जप करके जाएगा ना, कृष्ण गीता में कहते हैं ददामि बुद्धि युगंतम, मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ। वो बच्चा क्लास में फर्स्ट आएगा, क्यों? वो भगवान के नाम लेकर जा रहा है। इसलिए बच्चों को घर में संस्कार डालो, स्वयं भगवान की भजन करो, भक्ति करो, और बच्चों को भी प्रभु की भक्ति में बच्चों को भी लगाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अभी सबके सब खड़े हो जाएंगे, अभी प्रभु जी एक भजन गाएंगे। कुछ माताएं तो नाच रही थी और कुछ माताएं नाच नहीं रही थी, इसलिए अब सबके सब जो पीछे जो काटी सबके सब पीछे से जितने भाई लोग और माताएं सब आगे आ जाओ। प्रभु जी एक भजन गाएंगे, नाचने वाले भजन और सबके सब भगवान के भजन में नाचने का, ठीक है? जय श्री राधे। अरे गाना की दीवानी बन जाओ, गाना की दीवानी बन जाओ, अरे गाना की